सुनो, श्री लक्ष्मी माँ के मंदिर पर कुंभाभिषेक के उपलक्ष्य पर आने वाले शुक्रवार को मंदिर के बाहर बने परिसर में सिने अभिनेत्री मीनाक्षी का नृत्य समारोह होगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, क्या बात है आजकल ऑटो से अनाउंसमेंट कर रहा है? सब छोड़, तू दो हफ्ते से कहाँ था रे? काम ढूंढे मुंबई गया था, कोई काम नहीं मिल रहा यार। दूसरों के सामने हाथ फैला के काम क्यों मांगता है? तू हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेना। हमारी कौन सी कंपनी है यार? ये इष्ट लक्ष्मी नगर रियल एस्टेट। हा? उसका ओनर पता कौन है? कौन है? अपने पुलिस पांडे यार। हा? उसमें क्रिएटिव हेड पता है कौन है? कौन है? अपना गुरुदेव। जरा पीछे आके देखना। हाँ? चलो रे, कंपनी की तरफ से पुलिस पांडे पता किसको लेकर आ रहे हैं, ये खुद देख ले। अरे वाह मीनाक्षी, अभी जाकर पांडे से मिलता हूँ, कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ। ऐसे गोबर थापने जैसा क्या मार रही है? अब तक तुम्हारी खानदानी आदत गई नहीं है ना? आराम से ऐसे बन पाओ की तरह प्यार से दबा। पहले दीपावली पर 3 तोले की अंगूठी मांगने वाले दामाद का गला घोट कर मार डाला और ससुर घर से फरार हो गया। ऐसा उसमें लिखा है क्या? क्या है ना दामाद जी, मैं अभी चेक करता हूँ। इधर आइए, बहुत हो गया अखबार पढ़ना, पीछे जाकर देखिए पानी गर्म हो गया कि नहीं। जाइए, ऐसे घुमा के मालिश करना। अरे वाह, ऐसा करेगी तो ही मजा आएगा ना पांडे। आजा मोटू गोपाल, बॉडी में पेन हो रहा था इसलिए मेरी पत्नी ऐसे दबा दबा के माइल्ड मसाज कर रही है। यही पांडे एक महीने पहले कैसा था पता है आपको? बहुत सुंदर है ना, इससे शादी करने वाला बहुत तकदीर वाला है। हम तो इसको देख कर आँख सेक रहे हैं, पर पता नहीं इसका पति कहाँ है। तेरे ही बाजू में पेंटिंग कर रहा है। आ, क्या तुम हो? आए, क्या खुसर खुसर कर रहे हो, जल्दी काम करो। हाँ कर रहा हूँ अंकल। मैंने तुम्हें इतने प्यार से पाल पोस कर उस गधे से शादी करवा दी, यही सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटी। अब जाने दो ना पापा। घर जमाई हो क्या? हाँ लगता है इसीलिए तुम यहाँ पर कलर कर रहे हो। वो क्या है ना मेरे भाई, पिछले हफ्ते मैंने अपने ससुर जी की टीवीएस 50 गिरवी रखकर उन पैसों से दारू पी ली और अब पेंटिंग करके कर्जा चुका रहा हूँ। अबे तू हंस क्या रहा है बे? फ्लैशबैक खत्म हो गया। हाँ? क्या पांडे, तेरा तो पहनावा ही बदल गया। धंधे के हिसाब से कपड़े बदलने चाहिए ना, पहले की तरह लंगोट बांध कर गिल्ली डंडा खेलने वाला लल्लू लगता हूँ क्या? 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस कर रहा हूँ मैं कोकोनट। वो कोकोनट नहीं, बिजनेस मैग्नेट है। जो भी है नट तो है। देख मेरे भाई, मैं बस भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तरह आखिरी सांस तक बस ऐसे ही व्हाइट एंड व्हाइट मेंटेन कर लूं बस। चल चलते हैं, टाइम हो रहा है। अब क्या हुआ? लगता है आजकल तुम्हें और तुम्हारे बाप को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। चल हट। रुक 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 रुक, फोन ही बज रहा है ना, इतना परेशान क्यों है? हाँ भाई कहिए। भाई मैं ही बोल रहा हूँ, अरे वो कैसे भूल सकता हूँ। अरे भाई अगले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ब्याज का पैसा आपके घर पर दस्तक देगा। हाँ रियल एस्टेट का, हाँ बिजनेस अच्छा चल रहा है भाई, ईस्ट लक्ष्मी नगर में है भाई। हाँ अच्छा है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अरे किसका फोन था? अबे जिसने मुझे 15 लाख रुपए का कर्जा दिया वो देवता था, वर्धन ब्याज वाले। अरे बाप रे, क्या हुआ? वर्धन ब्याज वाला, उससे पैसे लिए तूने? जिसने ब्याज नहीं दिया उसके लिए वो यम है, देने वाले का सच्चा दोस्त है वो। चल गुरुदेव के पास। क्या बात है, बड़ी भीड़ लगी हुई है। गुरुदेव का बाप टपक तो नहीं गया ना? अबे उसका बाप दूसरों को मार रहा है, वो नहीं मरने वाला है। टीवी चैनल वाले आए हुए हैं। अबे अवार्ड मिल गया क्या उसे? ए भाई जरा हट। ये तो बड़े बिजनेसमैन की तरह स्टाइल मार रहा है। वही है ना। बादशाह की तरह बैठा है। हाँ। कल तक ये मेरा दोस्त रहा होगा लेकिन अब से मैं ही इसका दुश्मन हूँ। नमस्ते, मेरा नाम गुरुदेव है। ये मेरा बेटा है। उभरते हुए बिजनेसमैन के इस प्रोग्राम में आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ओनर तुम हो, तुम्हारा पोस्टर दुनिया भर में मशहूर है और इसको देखो, तुम्हारा असिस्टेंट गुरुदेव सारे चैनल्स को बुलाकर इंटरव्यू दे रहा है। पब्लिसिटी के लिए बजट निकाल कर रख, जब उसने ऐसा कहा था तभी मुझे शक होने लगा था। विदेशों से भी आपको ऑफर आए हैं ये सुनने में आया है? यस, थाईलैंड से बिजनेस करने के लिए ऑफर आया था लेकिन मैंने अपनी मदरलैंड पे रह के बिजनेस करने का फैसला किया है। मैं रियल एस्टेट शुरू कर रहा हूँ ईस्ट लक्ष्मी नगर में। आप चाहते हैं कि अष्ट लक्ष्मी आपके घर में निवास करें, उसके लिए आपको ईस्ट लक्ष्मी नगर में जमीन लेके घर बनाना होगा। मनुष्य के जीवन के पीछे एक लक्ष्य जरूर होता है।
उस लक्ष्य को पाने के लिए जो आगे बढ़ता है वो जीतता है, पाने से पहले गिर जाए तो हार जाता है। ऐसी बातें तो ये करता नहीं था, किसने सिखाया होगा इसे? बेटा रात को दारू पीने तो आएगा ना, तब देखता हूँ तुझे। क्या हुआ फिर से फ्लैशबैक? मैं भी आ रहा हूँ, मैंने पैसे जो लगाए हैं। इसको मुंह के अंदर डालो, डालो और फिर मंत्र पढ़ो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मा देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय समप्रभा। तेरे मुंह से मंत्र नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। अरे लेकिन ये तो पांच थे, तीन ही बाहर निकले, दो और कहां है? गाते समय अंदर चले गए। क्या तुझे इतनी भूख लगी है? अरे क्यों इस तरह मेरे बेटे को टॉर्चर कर रहे हो? अरे मेरी इच्छा है कि मेरे बाद ये मेरा नाम दुनिया में रोशन करे, लेकिन मैं ही गलत हूँ। ऐसे ही एक लड़के को अच्छा संगीतकार बनाने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ सिखाया। उसे कुत्ता गधा हिरन सबकी आवाजें निकालने आ गई, लेकिन वो संगीत नहीं सीख पाया। इसको संगीत थोड़ा बहुत आता तो है, लेकिन ये बाकी कोई आवाज निकाली नहीं पाता है। इसी तरह से आपने उसको भी टॉर्चर किया था, इसलिए वो लड़का आपकी बहन को लेके भाग गया। गाना तो गा नहीं सका, आपकी बहन को ले जाने में कामयाब रहा। अब जिस चीज में माहिर है वही करेगा। अपने पार्टनर के बारे में कुछ बताइए। बिजनेस में पार्टनर्स बहुत जरूरी है। मुझे तो बहुत अच्छे पार्टनर्स मिले हैं, और मेरी कामयाबी के पीछे वही लोग हैं, और मेरी ताकत भी वही लोग हैं। हमने उसके बारे में गलत सोच लिया। मेरे किसी भी फैसले को आज तक उन्होंने नकारा नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना दिमाग ही नहीं है। देखा कितने प्यार से हमारी बेइज्जती कर रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? आपका राजनीति में आने का क्या प्लान है सर? अभी तो नहीं। ओ भगवान, सर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस करें, आपको लगता है आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? मैं जरूर सक्सेस होऊंगा। किससे पूछकर तूने इंटरव्यू दिया? मैंने उन्हें थोड़ी ना बुलाया था, वो लोग आ गए तो मैंने दे दिया। पैसे भी मांगे होंगे ना? अच्छा हुआ याद दिला दिया, 10,000 रुपए का ये रहा वाउचर। तू ये मुझे क्यों दे रहा है? कंपनी के खर्चे तुम ही तो मेंटेन कर रहे हो ना? क्या कहा कंपनी का खर्च? क्यों भाई इंटरव्यू बैनर पोस्टर लगाते हो, हम क्या इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? विज्ञापन जरूरी होता है, 2 रुपए की चीज को 4 रुपए का विज्ञापन करके 8 रुपए में बेचना चाहिए, उसे कहते हैं मार्केटिंग। लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है ना, मैंने अच्छी जगह ही खरीदी है। कौन तू? पांडे, जमीन का पट्टा वट्टा कागजात सारी चीजें देखने वाला मैं हूँ। लेकिन पैसे मैंने भरे हैं। बड़ा आया जमीन के पेपर देखने वाला। कलाकारों के कलाकार, संगीतकार, पद्मश्री, पद्मप्रिया और आने वाले सभी अवार्ड से सुसज्जित महाकलाकार। ये भी कंपनी के पैसों से किया है ना? हाँ तो ए, तुझे और तेरे बाप को पब्लिसिटी करने के लिए मेरे ही पैसे मिले थे क्या? लुक एट, अब से कंपनी के सारे खर्चों का फैसला भी मैं ही करूंगा। मुझसे हिसाब मांग रहा? क्यों नहीं मांगना चाहिए क्या? तुझे पता है ना हिसाब मांगने में कितनी परेशानी होती है। अरे वाह, पॉलिटिक्स खेल रहा है, गेट आउट। मुझे बोल रहा है? क्यों इंग्लिश नहीं आती क्या? आई से यू गेट आउट। क्या तू भी? बाहर निकलिए, बाद में पछताना। आई एम हैप्पी। ओके आई एम हैप्पी। बड़ा आया। अब ओए मोटू। हाँ बोल। तू कहाँ जा रहा है बे? अब जहाँ पर शिव ना हो वहाँ पर आखिर नंदी का क्या काम? ऐसा जाइए, जा बे बैल, पूरी जमीन को मैं अकेले ही बेच कर दिखाऊंगा ये रियल एस्टेट को कैसे नंबर वन। पनौती गई और ग्राहक का फोन आ गया। हेलो, ईस्ट लक्ष्मी नगर का इकलौता ओनर पुलिस पांडे बात कर रहा हूँ। ओए फोन किया है तो बात करो ना, हंस क्यों रहे हो? मैं हमेशा हंसते हुए बात करता हूँ, मैं हूँ मल्टीमिलियनर मलेशिया का माधवन। तुम्हारे ईस्ट लक्ष्मी नगर के एड को मैंने नेट पर देखा, आई लाइक इट। ऐसा क्या सर? सर बताइए सर, कितना लेना है सर? मिनिमम 1,000 स्क्वायर फीट तो लेंगे ही ना। मेरे घर का टॉयलेट ही 1,000 स्क्वायर फीट का है। क्या सर, इतने बड़े पैसे वाले होकर भी अब भी खुले में ही टॉयलेट जाते हो क्या? गुड जॉब, आई लाइक इट। तुम्हारी सारी जमीन मैं ही खरीद लूंगा, 70 लाख। क्या कहा 70 लाख? वो भी कैश में, सिंगल पेमेंट। सर बोलिए सर, कर देते हैं ना सर, बस इतना बता दीजिए कि लैंड देखने के लिए कब आ रहे हैं? इसी हफ्ते में आ रहा हूँ। और हाँ, बाय द वे, मिस्टर गुरुदेव है ना? हाँ, इस नाम का यहाँ कोई नहीं है सर। गुरुदेव नहीं है? गुरुदेव होगा तो ही डील होगी, वरना नो डील। मैंने 30,000 रुपए दे दीजिएगा, आपकी कंपनी में लीगल एडवाइजर की नौकरी करूँगा। हेलो, आप जितने भी पैसे दे दो, लेकिन गुरुदेव मेरी कंपनी छोड़कर नहीं आएगा, आज के बाद उसे कॉल मत करना। क्यों बे, इतनी जल्दी यूनियन बना ली? गुरुदेव आज अंदर चलते हैं। पूछ क्या हुआ इसे? तुझसे ही पूछ रहा है, बता क्या हुआ? मुझे भी सुनाई दिया। गुरुदेव अंदर चल कह रहा हूँ ना। अंदर जाऊंगा तो एक कंडीशन पे। क्या है? पीपी प्रमोटर्स एंड कंपनी के मैं सभी विचारों को लेकर बिजनेस तक में श्री मिस्टर गुरुदेव जी के लिए कोई भी फैसले में अपनी टांग नहीं अड़ाऊंगा, और ना ही उन पे कोई दबाव बनाऊंगा। दूर खड़ा रह के सिर्फ चुपचाप देखता रहूंगा।
मैं अपनी स्वेच्छा से नियमों का पालन करूंगा। आपका प्रिय पानी। अष्ट लक्ष्मी आपके घर में आकर बैठेगी, इसलिए इष्ट लक्ष्मी नगर में जमीन लेकर अपना घर बनाइए। आपके इस विज्ञापन ने ही मुझे जमीन खरीदने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, मैं जो जमीन खरीदने वाला होता हूँ वहीं खड़े होकर मैं एग्रीमेंट साइन करता हूँ, पुरानी आदत है। खोलो खोलो। 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दे रहा हूँ, बाकी के पैसे रजिस्ट्रेशन होते ही दे दूंगा, तो डील डन। ये आदमी तो हमारे लिए सोने की चिड़िया है। क्या हुआ गुरुदेव, डील डन? हाँ डील सर, डबल डील सर। ओके, शुभ मुहूर्त खत्म होने से पहले ही मैं साइन कर देता हूँ। हाँ। उसके बाद आप भी अच्छी तरह से पढ़ के इस पर साइन। श्योर श्योर श्योर। ओ, ये क्या है? ये तो एक फूल गिरा है। सर, फूल गिरना तो शगुन है, आप साइन कीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई पेड़ भी नहीं है। ये भगवान जी का फेंका हुआ फूल है सर। भगवान को और कोई काम नहीं बचा जो फूल फेंक रहा है। ये सही था, ये एक ही काफी है, पूरा शहर हम बेच सकते हैं। बस ऐसे ही जोक करता रहता। कीजिए बिंदास। आप कुछ सोच रहे हैं क्या सर? ये तो शंख की आवाज है ना, सुनाई दे रहा है क्या सर? ये भी तो अच्छा शगुन है ना सर, किसी शुभ काम के लिए पहले हम लोग शंख ही तो बजाते हैं ना। आप साइन कीजिए ना सर। हाथों में भी शंख और चक्र होते हैं ना, तो शंख मुझे बहुत पसंद है। सर, उसमें भी एक अच्छा शगुन है, वो देखिए, किसी की अर्थी जा रही है सर। वो अर्थी जा नहीं रही है, इधर ही आ रही है। इन पांडे, ये लोग तो हमारी जमीन पे आ रहे हैं। रुको, मैं पूछ के आता हूं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे इष्ट लक्ष्मी नगर पर मुर्दा लेके आ रहे हो? इष्ट लक्ष्मी नगर है? हाँ। ये शमशान है बे। शमशान? ये क्या कह रहा है? ए बच्चे लोग, जरा बोर्ड उठाकर दिखा दो इसे। वो कहाँ पर है? ये लोग उठाकर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखकर पढ़ लो। हे भगवान, आगे से हट। साइन कीजिए। सुन, तू मेरा गुस्सा मत बढ़ा। मैंने पाली हिल में घर खरीदा, मैंने जुबली हिल में घर खरीदा, लेकिन कभी ऐसे शमशान में कुछ नहीं खरीदा। शमशान है लेकिन बहुत ही सटीक एरिया है सर, सिटी से बस 2 किलोमीटर दूर सर। प्लीज सर, प्लीज सर, सर सर पैसे ब्याज पे ले रखे सर, नाम मत कीजिए सर। चाहो तो फ्रंट में ले लीजिए सर, मैं पीछे केस करके जीत जाऊंगा। लाइए एडवांस मुझे दे दीजिए सर। ऐसी सिचुएशन में भी चोरी करके पी रहे हो, तुम लोगों पे भरोसा नहीं है। ऐसे टाइम पर ये क्यों फोन कर रही है? हेलो। ओए, अकल नहीं है तुझे? शकल तो देख अपनी। 15 लाख देके शमशान में जमीन खरीदी है गधा कहीं का। ए, वो शमशान है, मुझे बंद कर, घर की तरफ दिखाई मत देना, उसी शमशान में जाके सो जा तू। तमीज से बात। बेवकूफ कहीं का। फोन रख बेवकूफ। पागल कहीं की, साला अब तो मेरी पत्नी भी मुझे गाली दे रही है, उस ब्रोकर की तो मैं। देखो भाई, ऐसी जमीन इतने सस्ते दामों में कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। देखो भाई, वास्तु के हिसाब से एक घर में एक ही प्रवेश द्वार होता है, लेकिन सिर्फ इस जगह पर तुम चारों तरफ प्रवेश द्वार बना सकते हो। गुस्सा आ रहा है। इस जगह पर एक अजीब सी शांति होगी, शांति ढूंढने के लिए लोग यहाँ रहने के लिए घर खरीदेंगे। सच कह रहे हो? हाँ। उस ब्रोकर को फोन करो और इतनी गालियां दो कि वो भागता हुआ यहाँ आए। हाथ आया तो मारा जाएगा। बिजी है। बिजी आ रहा है। तीनों लोग एक साथ फोन लगाएंगे तो बिजी आएगा ना, अकल सर, नहीं है क्या? नमस्ते सर, ऑटोग्राफ दीजिए ना। ऑटोग्राफ? वो क्यों? आप लोग साथ में रहते हैं ना, वो देखिए टीवी पर। मैं रियल एस्टेट ब्रोकर ईस्ट लक्ष्मी नगर में। आप चाहते हैं कि ईस्ट लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, उसके लिए आपको ईस्ट लक्ष्मी नगर में। सर प्लीज, सुपर, ये मुझे जेल भेज के आएगा। क्या आइडिया है? टीवी बंद कर यार। कस्टमर चिल्लाएंगे, आपके लिए टीवी बंद नहीं कर सकते। बंद कर दे सर। आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ऐसे जलने वाले लोगों से दूर रहिए। जलने वाले दोस्तों पर भरोसा करके शमशान में खड़ा रहे तब पता चलेगा। बात करते समय जरा सोच समझ के किया कर, गधा कहेगा। एक तो वैसे भी परेशानी है इतनी। हे भगवान, ये वर्धन ब्याज वाला फोन कर रहा है, मुझे बचा ले रहे। इससे क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रोकर से बात करने में इतना सोच क्यों रहा है? अरे बात मत कर, बात मत कर, मैं उसको पकड़। अरे पकड़। अरे अगर ये बाप की औलाद है ना तो सामने आके उसे बोलना कि गाली मत। चुप रहे यार, बात करने से।
गाली क्या सुनाए? सुन पांडे, एक पैग और मंगा, फिर देख उसको कैसी कैसी गालियां देता हूँ। वो ब्रोकर नहीं था, वर्धन था। वर्धन था? हाँ वर्धन, एक घूंगरा मुंह घूम जाएगा, शक्ल तो देख। अबे तो तुझे पहले बताना था ना। अबे तुम लोगों ने मुझे बोलने कहाँ दिया यार, इस गालिया से मेरा मुंह बंद करवा दिया था। ये मैंने क्या कर दिया? एक भी दिन ब्याज में देरी हो जाए तो कुत्तों की तरह मारता है, लेकिन इसने तो उसके माँ बाप तक को गालियां दे दी। अब चाहे मुझे भले भीख मांगनी पड़े लेकिन तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा। अब यहाँ पे आने की हिम्मत भी मत करना। हाय सर, स्मॉल पिग मिलेगा क्या? प्लीज, थैंक यू सर, योर हेयर स्टाइल वेरी नाइस, सो हैंडसम। ऐसे नए लोगों के साथ बैठकर पीना मुझे बहुत पसंद है। नो व्हाट, बिजनेस लॉस, जस्ट इमोशन। मेरी शक्ल देखकर कोई भी दारू देने से मना नहीं करेगा। ए, तुम लोगों को नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। अबे तेरे से थोड़ी ना मांग रहे, हम तो इनसे मांग रहे। सर मना कर दीजिए सर, बहुत ही बुरे लड़के हैं। बे 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 बे, क्या कहा? बे बे। सर आप बात नहीं कर पाते हो क्या, गूंगे हो? हाँ भाई। ए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तुझसे नहीं। वो कैसे बोलेंगे, वो तो बोल ही नहीं पाते। बे 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 बे। ए, मुझे भी डालना, इनके पास पहले मैं ही तो आया था। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मार कर उसी जमीन में दफना दूंगा। फिर से मेरी जमीन पे लाश, नहीं मैं नहीं आने दूंगा। सर के हिसाब में एक और फूल ले गया। ये जगह तो जानी पहचानी। हे भगवान, ये तो वर्धन का बगीचा है, मतलब हमें अगवा कर लिया गया है। अरे हम लोग फंस गए यार। ए गुरुदेव, अरे ए उठना। अरे मैं हूँ ना, मेरे पे भरोसा कर। दूंगा ना रख के तुझे, तुझ पे भरोसा करके तो आज मैं इस हालत में हूँ। हे भगवान, मैंने बोला था कि कुछ मत बोलो लेकिन तुम लोग गालियां दे रहे थे। अबे उठना, अबे ये उठना, क्या कर रहा है मोटू? अबे उठ उठ, अबे क्या कर रहा है? ए अबे उठो ना, उठो, सो क्या रहे हो, उठो। ए ए अबे, हे भगवान, जो शराब पिला रहा था उसको भी साथ में उठा लाए। ये लोग नहीं उठेंगे, वर्धन के हाथों में लगे तो हमारी चटनी बना डालेगा। अरे उठो ना, ये लोग आज नहीं उठने वाले। पहले मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, अगर इनके हाथ लगा तो मेरा रेप कर देंगे। किसी भी तरह इनके चंगुल से भागना ही पड़ेगा। मेरी जान तेरे हाथों में है भगवान। बस निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया। ये कौन है? इतना बड़ा हो गया लेकिन चट्टी भी नहीं पहनता है। अब तक तो मुझे किसी ने नहीं देखा। यहाँ तो हर तरफ जंगल दिखाई दे रहा है, किस तरफ जाओ समझ में नहीं आ रहा है। उस तरफ तो लोग होंगे, इस तरफ से जाओ। इन लोगों को कैसे पता चला? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलो रोड पर तो आ गए, कोई आ तो नहीं रहा ना। अरे ये कौन आ गया, कहाँ से पूछ ले? अरे गिर गया, अरे गिर गया, गिर गया। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। चलो अच्छा, एक ऑटो तैयार है भागने के लिए, इसी में बैठकर भाग जाता हूँ। ऑटो ऑटो ऑटो, चलो ना जल्दी। कहाँ से आ रहे हो? क्या भाई, सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ जाना है और तुम कुछ अलग ही पूछ रहे हो। चलो ना यार, पहले ये बताओ कहाँ से आ रहे हो। अरे पहले ऑटो स्टार्ट तो करो, बाद में बताता हूँ। अरे पूछ रहा हूँ ना कहाँ से आ रहे हो। वर्धन ब्याज वाले के घर से आ रहा हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? ए, बोला ना नहीं जाऊंगा। तुम चाहो तो ये अंगूठी रख लो, अब तो चलो। ये अंगूठी अपने पास रख। चलो तुम नहीं आ रहे हो तो छोड़ो, वो बस तो आ रही है। होल्ड इट, होल्ड इट। हेलो कंडक्टर, रुको 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 कंडक्टर। क्या समझता है खुद को? अगर हम भागना शुरू करें तो घोड़ी भी पीछे रह जाती है।
ए, बीच में क्यों चढ़े? ए, मजाक कर रहे हो क्या? सब एक ही सवाल पूछेंगे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? मुझे कहाँ जाना ये नहीं पूछोगे क्या? वर्धन के घर से भाग कर आने वाले को हम बस में नहीं बिठा सकते। मैं वर्धन के घर से भाग कर आ रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता? तुम जिस तरह जान हथेली पर रख कर भाग रहे हो उससे यही लग रहा है कि तुम वर्धन के घर से ही आ रहे हो। चुपचाप बस से नीचे उतरो। चलो भाई। गिर गया। ए टकले, ए टकले, तेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, आगे एक्सीडेंट होकर मरेगा तू। कोई कुत्ता भी तुझे सुनने नहीं आएगा, शराब देता हूँ तुझे। ये पता ही नहीं चल रहा है। मैं बाद में फोन करता हूँ। वर्धन के घर से भाग कर आ रहे हो ना? ऑटो वाले ने मना कर दिया होगा, बस वाले ने उतार दिया होगा। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी तरह मैं भी उधार लेकर भागा था तो मेरा पैर काट, पैर काटने के बाद उसने ही मुझे साइकिल दी। वैसे वर्धन से तूने पैसे क्यों लिए थे? अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। अपने पैरों पर खड़े होने के चक्कर में अपनी टांग ही खो दी। अभी टाइम क्या हुआ? क्यों बता तो। 7:55 ठीक 8 बजे वर्धन के घर पर कैदियों की हाजिरी होती है, अगर कोई नहीं पहुंचा तो पैर काट देता। यहीं बैठो, जाकर पूछता हूं। वर्धन जहाँ अटेंडेंस लेता है वो जगह कहाँ पर है? यहाँ से सीधे जाना। अच्छा, राइट में मुड़ जाना। ये क्या भाई, आधा हाथ गायब है? मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचा था, तुम टाइम पर पहुँच जाओ। टाइम पर ना पहुँचो तो भी हाथ काट देता है। अरे बाप रे। महेंद्र सिंह सर। विजय सिंह जी सर। संजय इधर हूँ सर। ये नया जो आया है पुलिस पांडे। जल्दी भाग। तुम लोग भी नए हो ना? कौन है पुलिस पांडे? पुलिस पांडे एक, पुलिस पांडे दो। मैं यहाँ हूँ, बंद मत करो। पुलिस पांडे तीन। कौन है तू? पुलिस पांडे। किधर गया था? वन नंबर गया था। किधर गया? अब दोबारा बिना बताए कहीं गया ना तो काट डालूंगा। काम करो रे तुम लोग। जॉगिंग पे गए थे तो बता के जाते, हम भी चलते ना। जॉगिंग बस। इस बात से बिल्कुल परेशान मत होना कि हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। मैंने भागने का आइडिया सोच लिया। यहीं पर है भाई। ए, हाँ भाई। तुम पांचों को वर्धन भाई ने बुलाया है, जाकर मिल लो। जाओ बोला ना। नमस्ते, बैठिए आप लोग, बस आ ही रहे। नमस्ते। आओ, कैसे हो? आपके राज में बहुत अच्छे हैं भाई। क्या निमंत्रण देने आए हो? मेरे भाई की शादी है, उसी का निमंत्रण देने आया हूँ। पहले आपके पास आया हूँ, फिर गांव में बांटूंगा।
जितने भी लोग यहाँ आए थे कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी को ले जाके ईंट की भट्टी में जिंदा डाल दो। हड्डी भी नहीं बचनी चाहिए, लेके जाओ जल्दी। यहाँ पर हो क्या रहा है? कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये पता नहीं है क्या तुझे? चल निकल यहाँ से। बेटा तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? मुझे कुछ नहीं हुआ दादा, इस लड़के ने मुझे बचा लिया। कौन है ये लड़का? ये मेरा दोस्त है। कल रात तूने ही फोन पर मेरे बेटे को गंदी गंदी गाली दी थी ना? हम खूनी को छोड़ देते हैं लेकिन बेइज्जत करने वाले को बिल्कुल नहीं। साहब वो मैं नहीं था, वो मेरा ही फ्रेंड है, नशे में कुछ गलत बोल गया होगा, माफ कर दीजिए उसे। बेटा तुम कह रहे हो इसलिए छोड़ रहे हैं। थैंक यू अंकल। चलो चलो चलो। हाँ भाई। कहाँ जा रहा है? घर। तुझे बस माफ किया है, यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला, घूर क्या रहा है? तेरी सजा ये है कि तू यहाँ नौकर बनकर रहेगा और जो 15 लाख रुपए लिए हैं वो ब्याज के साथ भरेगा। नौकर? तूने मेरी जान बचाई है, तुझे काम नहीं करना होगा, बस इनके ऊपर नजर रखना, उधार लेता है और कपड़े व्हाइट एंड व्हाइट। बिल्कुल सही कहा बेटा। ठीक है काम करो। भाई क्या हुआ? काम काम बोल रहे हो, कैसा काम वो तो बताया ही नहीं। मामा कहते थे जिंदगी सीढ़ी की तरह है, लेकिन सीढ़ी इतनी छोटी होगी ये कभी सोचा नहीं था। तुमने जैसा कहा था वैसे ही व्हाइट एंड व्हाइट मेंटेन कर ही रहे हो ना पांडे। मुझे देखो, पापा की बात नहीं मानी तो गोबर पाथ रहा हूँ। उसने मुझे पेंट करने के लिए बोला, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके लिए जो जगह चूज की है वो देखना, बस वही चीज मुझे सहन नहीं हो रही है। तुम दिखने में तो वैसे पंजाबी लग रहे हो लेकिन यहाँ कैसे आ गए? ओ मैंने ट्रक खरीदने के लिए इससे पैसे उधार लिए थे, ब्याज नहीं चुका तो फिर क्या, मुझे मेरे ही ट्रक का क्लीनर बना दिया। काजी का हाल चल रहा? ठीक बानी? अरे सब ठीक, भारी लग रहा है। यार बुरा फंस गया, मुझे ऊपर उठा ले रहे। ए, केरला से हो क्या? हाँ साहब जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहनलाल। क्या अब बात है, आज पहली बार किसी के मुंह से अपने हीरो का नाम सुन रहा हूँ। ए पांडे। हाँ। बहुत बोर हो रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या कहा तूने, बोर हो रहा है? हाँ यार। ए, हाँ तू तो बोलेगा ही, भगवान चीटी काट दी। वही रुक अभी आता हूँ। क्यों बे, तुझे क्या लगता है तू टूर पे आया क्या? जब बोर होगा तब घर चला जाएगा। और क्या, वर्धन के घर में सुपरवाइज करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ हूँ। तू तो बहुत बड़ा अंग्रेज है ना, ये देख। अबे देख ना, इसकी कोई गलती नहीं थी फिर भी बेचारा यहाँ पानी भर रहा है, चल जा। वैसे भी तेरा क्या जाता है, तू तो खाली बैठा है। ओ मोहनलाल, आज तुम घर जा रहे हो, रिहाई है तुम्हारी। हे मेरे भगवान, मुझे रिहाई मिल गई। इसे रिहाई मिल भी गई? मोहनलाल इतनी जल्दी तुम्हें कैसे रिहाई मिल गई? छोटी मैम साहब ने बोला तो रिहाई मिल गई। अरे पांडे, ये छोटी मैम साहब कौन है? छोटी मैम हो सकता है वो वर्धन की छोटी बहन हो। मोहनलाल छोटी मैम साहब कहाँ मिलेंगी? वो ऊपर छत पर है। तो वो छत पर है तो एक काम किया जाए। अरे सुन गुरुदेव। सुनो मेरे भाई, अगर मेम साहब से छुपकर मिलोगे ना और वर्धन को पता चल गया तो पैर काट देगा। अरे बाप रे, जल्दबाजी में तो ये आधी बात सुनकर ही चला गया, अब क्या होगा पता नहीं। बोलकर हमें बाहर निकालो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो। क्या हुआ? जरा पट जाए साइड होना वरना बर्तन समझकर तुझे भी रगड़ दूंगा। मेरा इतिहास तो देखो, इन्होंने मुझे बर्तन धोने पर मजबूर कर दिया। तुम लोग एक बात जानते हो क्या, आज शाम को राम तेरी गंगा मैली फिल्म दिखाने वाले हैं। राम तेरी गंगा मैली? इधर आ। क्या है, तूने आज तक वो फिल्म नहीं अभी देखी? तक नहीं देखी। जब वो फिल्म रिलीज हुई थी मैं फिल्म देखने के लिए गया, टिकट लेकर जैसे ही काउंटर से मुड़ा तो ये लोग मुझे उठाकर यहाँ ले आए। तो 35 सालों से यहाँ कैद है उसकी तुझे कोई फिक्र नहीं है? राम तेरी गंगा मैली देखने के लिए उछल रहा है। उसके बाद आई घायल और अग्निपथ, वो भी देखूंगा। तब तक तो तुझे अर्थी पर सुला देंगे बेटा। मैं अर्थी से उठकर देखने के लिए जाऊंगा। उठकर आएगा? यहाँ आजकल लोग रिलीज होने के पहले फिल्म देख लेते, और तू बाबा आदम के जमाने में है? क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? और तूने उसे ग्लास फेंक के मारा, पिचक जाता तो? वर्धन के सामने एज अ सुपरवाइजर मुझे जवाब देना होगा ना। तूने कब से ड्यूटी ज्वाइन कर ली बे?
मैं भी देख रहा हूँ आजकल तेरे चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है। अरे हाँ, तूने तो कहा था कि इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगा, लेकिन तेरा मूड देख के पता चल रहा है कि तू यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों निकलना है? गुरुदेव चला गया तो मेम साहब की जिंदगी? हे, इसके बाहर जाने से मेम साहब की जिंदगी का क्या लेना देना? बेकार की बात मत करो, मेम साहब मतलब वर्धन की बहन। ए, ये बात वर्धन जानता है? बच्चे तो प्यार करते ही हैं। तुमको ही बात करके शादी की बात पक्की करनी पड़ेगी। मुझे बात करनी होगी? हे भगवान, मेरी पत्नी ने उसी दिन कहा था बच्चों के साथ मिलकर बिजनेस कभी मत करना, लेकिन मेरी मत मारी गई थी। अबे परेशान मत हो पांडे, गुरुदेव ने उससे शादी कर ली तो फायदा हमें भी तो होने वाला है। और नहीं तो क्या, इसके बाद मुझे कर्जा भी नहीं भरना पड़ेगा रे। ए, गधे के बच्चे जिंदा बचेंगे तो भरने लायक रहेंगे ना। हे भगवान, ये दोनों तो अच्छे से प्यार कर लेंगे, लेकिन मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। पता नहीं ये अब कहाँ जाके खत्म होगा। लगता है जिंदगी भर बर्तन ही धोने पड़ेंगे। ये देखो, काम करने के नाम पे एक ही चीज बार बार पूछ रहे। मुंह बंद कर, अब चल चुपचाप। अब मैंने कुछ नहीं किया। आ रहे हैं, चल। उसका झाड़ू गिर गया था तो मैंने बस उठा के दे दिया। ये ले, इसमें जो हिसाब है वो तारीख के मुताबिक इसे पढ़कर सुना। ठीक है ठीक है, लाइए मैं पढ़ता हूँ। तो सुन जी, तो एक पेपर लेकर जो ये बोलता है उसे लिखता जा। जी ठीक है। ए, जल्दी लिख, आज मैं तेरा सुपरवाइजर हूँ। गोविंद स्वामी का लेखा जोखा। 19 जनवरी 2008 को जमा हुए पैसे 15,000 रूपए। 2 मार्च 2009 की जमा राशि 13,000 रूपए। जमा राशि 13,000। वो डंडा दे। मैंने कुछ नहीं किया। तू पैरों में क्यों गिर रहा? खड़ा हो जा, वो तुझे नहीं पीट रहा है। अच्छा, हमें नहीं पीट रहे थे क्या? अब कौन सा हिसाब देखने को बोला और कौन सा हिसाब देख रहे हैं? ए, ठीक से पढ़ना नहीं आता? मेरी आवाज नहीं निकल रही है। तो ठीक से पढ़ेगा या नहीं? 15,000 रूपए की जमा राशि 10,000 रूपए, 7 अगस्त 2009 की जमा राशि 6,000, कुल मिलाकर हिसाब 60,000 रूपए। Hey, हाँ साहब, अब जो उसने लिखा है वो पढ़ के सुना। ठीक है, ये ले पंडे। अरे लाना, थोड़ा तेजी से पढ़ के सुनाना। तू तो भागी जा। Hey, हाँ साहब, जल्दी पढ़ना। हाँ पढ़ता हूँ। अरे बाप रे, लव लेटर लिख कर गया है। तुम्हारी आंखें पैर जैसी, तुम्हारे होंठ 12,500 रूपए। तो ठीक से पड़ेगा या नहीं? 10 अगस्त 2000, 10,075 रूपए। तूने तो मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया है। जरा जोर से पढ़ना। साहब, इसने घटिया हिसाब लिखा है। इसने 60,000 पर 4 जीरो लिखा। 8,000 में 4 जीरो हो जाते हैं। स्कूल में इसी गाने पर डांस करने के लिए कहा है क्या? हाँ दीदी, आप गाते हुए नाच कर दिखाओ। ओके। आइए कवि जी, तुम्हारी आंखें बियर जैसी, तुम्हारे होंठ ठंडी कोल्ड ड्रिंक, तुम्हारी नजरें हॉट विस्की, तुम्हारी वॉइस कूल हस्की, और तुम्हारी हंसी देसी ठर्रा का क्वार्टर। अब बस भी करो। अब ये बात ना वर्धन को बताती। नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए। मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ने वाली। अगर वर्धन को पता चला ना तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। सही सलामत घर वापस लौटने की सोचो। ऐसे कैसे जा सकता हूँ? अरे मुझे तो, अरे अरे लाइट में आओ, ऐसे कुछ काटो, ऐसे कर दिया होगा, कैसे चलो, लाइट में आओ, जाओ मेरे से, जाओ, अरे ये ठंडा खाना क्यों दे रही है? मैं कोई ऐरा कह रहा हूँ क्या? पापा क्या होता है? अरे वहाँ जाके देखना, पता चलेगा, लेके जाओ। ये ऐसे क्यों देख रही है मुझे? पार्टी बनाओ ना। हाँ बनाता हूँ ना। ए, रुक जरा, तेरा चावल इतना उठा हुआ क्यों है? क्या ये? अरे अरे, उसने तो अंडा भी देख लिया। तुमने पहले कभी अंडा नहीं देखा क्या? ए, यहाँ 1 साल पुराने नौकर को सिर्फ 1 अंडा खाने को मिलता है। तुझे आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और तू 2 अंडे चुरा कर खा रहा है। ए, तू चोर किसको बोलता है बे? पता है इसमें अंडे किसने रखे थे? उनसे जाकर पूछ। नहीं बताना। ज्यादा होशियारी मत कर, अच्छे खानदान के लोग अंडे चोरी करके खाते हैं क्या?
अंडे खाने में अच्छा या बुरा खानदान क्या होता है? ये ले तेरा खाना और अंडा। मेरे खानदान के बारे में कुछ बोलेगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, सुन ले। चल जा रे। दो अंडों के चक्कर में उस टकले ने मेरे खानदान को बुरा भला कहा। मैं यहाँ से सब देख रहा था, तू बिल्कुल परेशान मत हो। बात क्या है ना, यहाँ एक अंडे के लिए एक साल पुराना नौकर होना चाहिए ना, लेकिन तुझे चिकन पीस कैसे मिल गया? तू लेबर है और मैं सुपरवाइजर। अरे यार क्या पांडे, दो अंडे के लिए तुम्हें इतना सोना डाला, तुम्हारा खून नहीं खोला क्या? अरे खोला ना, उसे मारने का मन नहीं कर रहा है? मन तो कर रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि आंदोलन करना चाहिए? कर रहा है। अगर सत्ता हमारे हक में आ गई तो अंडे की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सत्ता हमारे हक में आएगी कैसे? दोनों में से एक उंगली पकड़ो। ए चावल लगाए यार। अब पकड़ो। इस उंगली को पकड़ने में और सत्ता हमारे हाथ में आने का क्या मतलब है? ये पकड़ोगे तो वर्धन की बहन से उसकी रजामंदी से शादी करना है। अगर ये उंगली पकड़ो तो वर्धन की बहन को भगा ले जाकर अपने गुरुदेव से शादी कराना। ए, सिर्फ दो अंडों के लिए तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो क्या? मैं नहीं पकड़ूंगा। अरे तो सत्ता हमारे हाथ में कैसे आएगी? अरे मुझे जरूरत नहीं है सत्ता बत्ता की, मैं जिंदगी भर नौकर बने रहना चाहता हूँ। मैं नहीं पकड़ूंगा, नहीं पकड़ूंगा, नहीं पकड़ूंगा। आई डोंट टच एनी फिंगर। मैं पकड़ू क्या? कौन है बे? पूछ रहा हूँ कि मैं पकड़ू क्या? आप पकड़ोगे तो ही सही रहेगा, पकड़िए ना। इसे 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 तब तो उठा लेना चाहिए। किसे उठाने वाले हो? पुलिस पांडे ने एक आइडिया दिया, आप उसी से पूछ लीजिए। किसे उठाने वाला है? वो मैं बताता हूँ। इसने दो अंडे चोरी से उठा लिए थे, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। ये फिर से अंडे चुराना चाहता होगा, वही प्लान कर रहा है। अंडे चुराता है, शर्म नहीं आती पता? शर्म नहीं आती? अगर अंडा मांगा होता तो दो क्या सौ देता, और अंडा चुराने की कोशिश की तो जिंदा काट दूंगा। घूर किस तरह है? नीचे देख, नीचे देख। वो क्या है कि ना, जो बात गले तक आ गई है वो जुबान पर नहीं आ रही, यही ना। मैं ही बता देती हूँ, कुछ दिनों से भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, बुखार जैसे शरीर गर्म रहता है, मेरे हंसते हुए हाथ पकड़कर चलते हुए सपने भी आते हैं, यही बात है ना? वो तो ठीक है, मेरे सपने की बात इतनी अच्छी तरीके से बता रही हूँ, और तुम्हारे सपनों में कौन आता है? मेरे सपनों में तो सुनो, ऐसी ही एक जगह पर तुम मेरे साथ पागलों की तरह बातें कर रहे हो, ठीक उसी समय वर्धन आ जाता है, तुम भागते हो और उसके गुंडे तुम्हें पकड़ लेते हैं, और वर्धन फरसा लेकर तुम पर वार करता है और तुम्हारा सिर कट जाता है। ये तो बहुत बुरा सपना आता है तुम्हें। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तेरी बात सच निकली तो उसकी मौत होगी। तुम्हारे सपने की बात सच होने वाली है। हे भगवान, वर्धन तुम्हें देखे उससे पहले भाग जाओ। किस लिए? भागूंगा तो भी वो लोग पकड़ के मेरा सर काटने ही वाले, तो भागना कैसे? ओए, हाथ छोड़ो मेरा। अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो वहीं जिंदा काट दूंगा। वर्धन को मैं वापस यहाँ से भगा दूं क्या? हे भगवान, कैसे समझाऊं? अब देखता हूं। हे, क्या करने वाले हो? वर्धन का काउंटडाउन स्टार्ट। पैसे तो लौटा नहीं सकते, ऊपर से फोकट का दारू पीते हैं, आज तो मरेंगे। रुक जाओ, वन, मेरी बात सुनो, टू, थ्री। कहाँ थे वो लोग? लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मधुमक्खियों ने हमारी तरफ उलटा ले लिया। निकलो जल्दी यहाँ से। ऐसी सिचुएशन में एक शायरी सुनाओ। ना कहूंगी तो मान थोड़ी जाओगे। अर्ज किया है, फूल से शहद चुराने वाली मधुमक्खी अब हमारी रखवाली कर रही है, हमारे प्यार की रखवाली। बहुत अच्छी। सच में अच्छी लगी? एकदम घटिया थी। पहले से परेशान हूँ, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से परेशान करने आ गई? कहाँ जाओ, इसमें छुप जाती। आओ पांडे, राइट में लेट जाओ। ए, तू भी इसी में लेटा है क्या? राइट में सो जाऊं तो फिर लेफ्ट में कौन लेटा है? अरे बाप रे, अब समझ गया मधुमक्खी के छत्ते को किसने छेड़ा था। लगता है मेरी अर्थी निकलवा के। अरे पांडे बाहर मत जा, मधुमक्खियां काट लेंगी। यहाँ रहा तो वर्धन मेरी गर्दन काट डालेगा। तू मधुमक्खियों से बचकर यहाँ छुपाया ऐसा लग तो नहीं रहा है। हे भगवान, इसने चुम्मी ली तो हमें खून देना पड़ जाएगा ऐसा लगता है। बाप रे वर्धन, क्या हुआ? वर्धन भी यही है।
कोई हिलना मत, हम शाम तक यहीं रहेंगे। शाम तक रहेगा? प्लान कर भी डाला, मुझे मरवाई गई है। मैं इधर सेफ हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा। वो देखो अंदर कुछ कर रहा है, देखो उसे। ए, अंदर क्या कर रहा था? सच बताता है कि नहीं, अंदर क्या कर रहा भाई, था भाई? भाई ये तो बोल नहीं पाता ना, इससे सच बोलने की क्या बात कर रहे हो? ये कैसे बता पाएगा? तू बीच में मत बोल, बता अंदर क्या कर रहा था, चल हट, मैं देखता हूँ। बोल तो रहा है ना, अंदर सुसु करने गया था। अच्छा, सुसु करने की इतनी जगह पड़ी हुई है, तू अंदर सुसु कर रहा था? तेरी जात का, तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। भाई माफ कर दे, इसको गलती में अबे तू भाग जा यहां से, मारा जाएगा, भाग यहां से, अबे जाओ कच्चे से मारूंगा, जा यहां से। ये तो हाथ में आ गया। पांडे मुझ पे हाथ उठा है ना, अब तेरी मौत मेरे हाथों होगी, देखना। से सपोर्ट कर रहा था ना, देख लिया ना, पागल हो गया पांडे, उसे मार के जेल जाना चाहता है क्या? तो यहाँ मजा आ रहा है क्या? अरे ये भी तो जेल ही है ना, दोनों में अंतर ही क्या? तो क्या फांसी पे चढ़ेगा तू? तुम लोगों के होते हुए फांसी पर ही चढ़ना पड़ेगा, अपना उधार हमारे सर पे डालना चाहता है? अब छोड़ना इन सारी बातों को, इतनी जल्दी नहीं छोड़ा जा सकता। पहले तो तुझे मार दूंगा, इसको मारेगा तो भी तू जेल जाएगा ना, तुझे भी मारना पड़ेगा, इन दोनों को मारकर तू जेल जाना चाहता है? सारे मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। तुम इतनी जल्दी देखने से तो नहीं लगता। तुम्हारा हाथ मैंने रोमांस करने के लिए नहीं खींचा। तो क्या रेखा दिखने के लिए खींचा था? लो देखो। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारी आयु रेखा बहुत कम है। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, जब से तुम्हें देखा है ना तब से मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। तुम नहीं सुधरने वाले। अरे अब क्या हुआ? ये पकड़ो, ये पूरे 15 लाख रुपए हैं। 15 लाख रुपए? ओह अब समझा, इन रुपयों को ले जाकर मैं अपना कर्ज चुका दूं और फिर जाकर तुम्हारा हाथ मांगूं, यही चाहती हो ना? ओहो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सॉरी, प्रेमिका से पैसे लेके अपना कर्ज चुकाऊं, इतना कमजोर भी नहीं हूँ मैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। मजाक अच्छा था। ये पैसे लो और मुझे भूल जाओ। अब तक प्यार को भुलाने के लिए बाप या भाई ने पैसे दिए, ये बात तो मैंने बहुत सुनी है, लेकिन प्रेमिका खुद पैसे दे रही है, वो पहली तुम हो। देखो इन बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला, पैसे लो और निकलो। प्रेमी की बातें ऐसी होती हैं। मेरी भी एक बात सुन लो, प्यार में हार जाओ तो दाढ़ी, जीत जाओ तो डैडी, तुम्हारे बच्चे का डैडी मैं ही बनूंगा। चलता हूँ। मरी गई है। ये सही बताएंगे ना दादाजी? दादाजी स्वामी जी इतना सोच क्यों रहे हैं? स्वामी जी क्या सोच रहे हो? सुपर सुपर। क्या सुपर? तुम्हारा टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है, अगले शुक्रवार को सगाई होगी और उसके अगले शुक्रवार का मुहूर्त है, धूमधाम से शादी करो। वाह स्वामी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं। हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे वर्धन भाई के सभी रिश्तेदार लोग, आपके प्यारे वर्धन भाई की सगाई का समारोह आज शाम को उनके घर पर संपन्न किया जाएगा। उनके सभी रिश्तेदार नातेदार आकर उनको आशीर्वाद दीजिएगा। नमक क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये क्या लफड़ा कर रहे हो? पागल हो गया क्या तुम्हें? क्यों रे, जब हम लोग इतने सारे रिश्तेदार उसके साथ में हैं, तो कोई अनजान इंसान आकर वहाँ पूरा अरेंजमेंट करेगा और हम लोग मेहमान बनकर आएंगे और उसका मुंह देखेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? ये सब बता बता। प्यार का पंगा खड़ा मत करो, मुझे आगे जाने दो, मुझे 3 गाँव में और अनाउंस करना है। तो पहले हमें जवाब दे। जवाब दे। अरे हम क्या पूछ रहे हैं और तू क्या बोल रहा है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही वर्धन हम जैसे रिश्तेदारों से दूर होता जा रहा है। मारो इस गांव में किसी के घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। ऐसा ही होगा मालिक, दिन और रात को हमारे घर में सब चिकन बिरयानी खाएंगे। जी मालिक ऐसा ही होगा। साहब जी। हाँ क्या है बोलो। बिरयानी के लिए मुर्गा बकरा सब तैयार है, खाना बनाने वाले को बोल तो दिया है ना? ये सब खड़े है ना? कहाँ है बेटा? जब हम बिरयानी बनाते हैं ना तो पूरे 8 गाँव महक जाते हैं। हाँ तो उसके लिए अपनी बगल क्यों खुजा रहे हो? सारे गाँव में बदबू फैलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ उसका बुरा मत मानिएगा, ये जिंदगी में एक ही बार होता है, इसे कुछ अलग तरह से करना चाहिए। समझा नहीं। जिस लड़की से शादी करने वाले हैं वो पढ़ी लिखी है ना? हाँ हाँ। आपको कपड़ों से लेकर खाने तक में हर चीज बदलना होगा। वो कैसे? बताता हूँ। गाने में मुंबई बॉयज, डांस के लिए मुंबई गाइज, खाने में शेफ संजीव कपूर,
पहनावे में ओबामा प्रधान। अरे अरे रुको रुको बस करो, अब तुम दोनों इसकी सगाई के इंचार्ज बनोगे। देखो तुम दोनों पे भरोसा कर रहा हूँ, मजा आना चाहिए। मैं हूँ ना, मेरा भरोसा कीजिए। ये क्या खा रहा है तू? इतना केले के पत्तों पर बैठकर इज्जत से खाने वाले हम लोग ऐसे भिखारी की तरह प्लेट लेकर खड़े होकर खा रहे हैं। जब वर्धन के रिश्तेदार हम लोग यहाँ पर है, ऐसा घटिया इंतजाम कौन करवा रहा है? क्यों वहाँ खड़े हैं? क्यों भी है? मटन चिकन छोड़कर सादा चावल लेकर आ गया। तूने हमारे ऊपर ये बिरयानी क्यों फेंकी? लगता है तुझे पता नहीं हम लोग कौन है। पता, तू बांसुरी बजाने वाला और ये तबला बजाने वाला और ये मंजीरा बजाने वाला। अब देख वहाँ पर खाना खिला रहे हैं, बिना झगड़ा किए वहाँ पर जाओ, चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ जा। तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे। तू निकाल कर दिखा अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी पता चल जाएगा इसको। इसको दिखा, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, देखो। गुरुदेव स्टेज पर दो लादी केले की मांग रहे हैं। ये ले, इससे काट ले। धार ज्यादा नहीं है, इससे कटेगा क्या? केले ही तो काटने ना, जाके काट। ए, तू ज्यादा स्मार्ट समझता है अपने को? हम वर्धन के खास रिश्तेदार हैं, काम करने का हक हम किसी और को नहीं देंगे। काम करना है बस यही ना। ए, इधर आना, ये लो बिरयानी, जाके लोगों में बांट दो। अरे तुझे पता तूने किसके सर पर बिरयानी रखी? ये तेरे ही साथ आया है ना, और तुझे नहीं पता ये कौन है? अरे इधर आ, तेरे सर पर इतने बिरयानी का इतना बड़ा ग्रंथ टोप रख दिया, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? झगड़ा क्यों कर रहे हो? रुक जा, रुक जा, रुक जा, मैंने कहा ना रुक जाओ। ये क्या है, इतनी जल्दी बिरयानी का भगोना लेके घर जा रहा है? सुधरेगा नहीं क्या? तुम लोगों को अपना रिश्तेदार बताते हुए शर्म आ रही है? हम लोग बिरयानी के भूखे हैं क्या? पकड़ो इसे। क्या बोले आप? आप तो बोलोगे ही भाई, जब हम जैसे रिश्तेदार है तो कोई बाहर से आया लड़का इंतजाम कर रहा है, हम खड़े देखते रहेंगे क्या? बिल्कुल सही। बेटा तुम लोग जरा अंदर जाओ, इन लोगों से कैसे बात करनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये लोग इस फंक्शन को ग्रैंड बना रहे हैं, ये काम इसलिए इनको सौंपा। लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है, ये सब छूट आपने दी है इनको। चलो ये भी छोड़ो, आपकी मुनीम की पत्नी ने आत्महत्या की ये बात पूरे गांव वाले मानते हैं। लेकिन उसकी पत्नी मस्त है ये बोलकर आप उसके पीछे जब भागे थे और वो डर कर कुएं में गिरकर मर गई थी, ये बात सिर्फ हम जानते हैं। ये बात हमने किसी को बताई क्या? अब ये बात पूरे गाँव में भाग भाग कर हम सबको बता दे क्या? पुरानी बातें उखाड़ रहे हो, अब से इस घर में जो भी होगा तुम लोग सामने खड़े रहकर करवाना। हाँ, आज तो ऐसा बोलोगे लेकिन शादी के दिन हमें पीछे कर दोगे तो? सही कहा भाई, पूछने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही फैसला कर लो। देखो वादे से पलटना मत। वादे से नहीं पलटूंगा, तुम लोग जाओ खा पी के खुश हो जाओ। चलो चलो चलो, लग्न पत्रिका तैयार रखिए जजमान। इस खुशी के मौके पे शायद हमें छोड़ दे। सगाई का समय हो गया, कन्या को बुलवाइए। लड़की को लेकर आओ। प्लान के मुताबिक फंक्शन ग्रैंड है। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहती? लड़की को लेकर आने के लिए बोला था, ये लोग तो वर्धन भाई की बहन को लेकर आ रहे हैं। कौन है बहन? इसी लड़की से शादी करने के लिए भाई इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। वैसे लड़की बहुत ही सुंदर है। फोटो खींच। इसकी बहन नहीं है। देखा कितनी खूबसूरत लग रही है। लड़के के चेहरे की खुशी तो देखो। बैठो बेटी। यमुना मैं सूट में अच्छा लग रहा हूँ ना? सगाई प्रथा के शुभ मुहूर्त पर विजयनगर जिला के तिरुपुरम ग्राम के वासी श्रीमान जैन के पौत्र स्वर्गीय तारकेश के सुपुत्र चिरंजीवी वर्धन की सगाई बीजापुर जिला के करीमनगर वासी स्वर्गीय मणिराज की सुपुत्र से संपन्न किया जा रहा है। सभी रिश्ते नातेदार की उपस्थिति में, ईश्वर की उपस्थिति में ये सगाई की रस्म संपन्न की जाती है। शुभमस्तु, शुभमस्तु, शुभमस्तु। हे गुरुदेव, बेकार में परेशान होकर कोई हंगामा मत खड़ा कर दे, जो भी होगा बाद में बात कर लेंगे, समझा? ए, अब बोलने लायक बचा ही क्या है? वो वर्धन की बहन नहीं है, मुझे बता नहीं सकती थी क्या? उसने मुझे धोखा दिया है। यार मैं वर्धन की बहन हूँ ऐसा उसने तुझसे बोला था? ऐसा हम लोग सोच रहे हैं? ऐसा हम नहीं सोच रहे हैं, मेम साहब वर्धन की छोटी बहन है, तुमने कहा था। अरे गलती से बोल दिया था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि ये उससे प्यार करे? अरे गधो तुमने ही इसे झाड़ पे चढ़ा दिया है। hey, वो मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं, वर्धन से शादी करने वाली ये तो बता सकती थी ना। ये तो उसने सोचा भी नहीं होगा, जब से वो लड़की स्टेज पे तैयार होकर आई है ना, वो सिर्फ तुम्हें ही घूरे जा रही है। सच कह रहे हैं गुरुदेव? बिल्कुल सही कह रहा है, उसकी आंखों में प्यार देखा है तुम्हारे लिए। अबे प्यार नहीं, अपनी मौत देखी थी। अगर तुम लोग कुछ बंगा खड़ा करोगे तो अपनी मौत पक्की है। तू इनकी बातों में मत आया। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, मुझे उससे जवाब सुनना है।
गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, मेरी बात मान जा। अरे उसे कुछ बोलने तो दे यार। इधर ला, ये ले, पीले पीले, इसे पीले, उसे भूल जा, हम कल बात करेंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अबे तो थप्पड़ पड़ेंगे ना तुझे, तू अपना मुंह बंद रख, चल जा यहाँ से, जा यहाँ से, दो पैक बना। ए, तू भी जा, तू बाकी मांग रहा है, चल जा। दादाजी किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब देख लूंगा बेटा। अपना मुंह बंद कर, मुंह बंद कर और जा यहाँ से, चल जा। वैसे मैं भी एक पैक मार सकता हूँ ना इधर। इसने तो मेरा दिमाग ही हिला डाला है। यहाँ से कहाँ जा रही है? ए, कहाँ जा रही हो तुम? रुको भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। ए, वो शर्ट निकाल। ये लो भाई, ले जा, जाके पहन क्या। ये शर्ट मुझे किस लिए भाई? अरे बोला ना, पहन के। अच्छा, ए, तुम लोग भी रेडी हो? कुछ भी बैठी हो? ऐसी क्या गलती हुई थी मुझसे? एक बार तो बता सकती थी ना कि तुम उस वर्धन से शादी कर रही हो। ए, अगर वर्धन से शादी करनी होती तो मैं भाग कर क्यों आती? भाग कर जा रही हो? ए, ये क्या है, कहाँ पर बैठी हो? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम भाग के किसके साथ जा रही हो? चिल्लाना बंद करो। अगर तुम चुपचाप नहीं बैठे तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्का मार दूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाओ। दुल्हन भाग रही है। रुको, चुप रहो। मैं नशे में हूँ ये सोच रही हूँ क्या? बेटा, मैंने सुना है कि वो लड़की भाग गई। जब मैंने भविष्य देखा था तभी मुझे ये बात पता चल गई थी। तुम गुस्सा करोगे इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। कोई बात नहीं, वो गई तो दूसरी आ जाएगी। ए, गाड़ी निकालो। भाग के जाएगी कहाँ? उसे क्या लगता है उससे बच पाएगी? जल्दी चलो। मेम साहब, सोने का नाटक बहुत हुआ, अब तो आंखें खोल लो। सारी पोल तो खुली चुकी है, फिर क्यों इतना नाटक कर रही हो? ए, क्यों परेशान कर रहे हो? चुपचाप सोने दो मुझे। तुम्हारे नखरे, आंखें, तेवर, इन्हीं सब पे तो मैं मर मिटा हूँ, ऐसे क्या दिख रही हो? तुमको भी वो जबरदस्ती पकड़ के लाया होगा ना? मैं ही गलत समझ रहा था कि तुम वर्धन की बहन हो। ए, मैंने तुमसे कहा क्या कि मैं वर्धन की बहन हूँ? तुमने नहीं कहा, लेकिन सच में वर्धन की कोई बहन होती ना तो उसके भी इतने नखरे नहीं होते। तो तुम मेरे पीछे क्यों आए? मैं कहाँ आया मेम साहब, पहली बार ही तुम मुझे देख के प्यार करने लगी थी ना, इसीलिए तो मुझसे शादी करने के लिए वरदान का घर छोड़ के तुम मेरे साथ भाग गई। ये बात तो मान लो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? वहाँ उसका टॉर्चर और यहाँ तुम्हारा। तुमसे तो अच्छा वो वरदान ही है। एक्सक्यूज मी, रुक जाओ मैम साहब, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या? चाहे जहाँ जाओ, तुम मुझे दिल से प्यार करती हो ये बोल दो, मैं तुम्हें माफ करके अपना लूंगा। तुम्हें तो ना, जाओ। तुम होते कौन हो जो मुझे अपनाओगे? मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। नाटक मत करो मैम साहब, तुम्हारी आंखें देखकर सब समझ में आ रहा है तुम मुझे कितना प्यार करती हो। देखो, मुझे टॉर्चर मत करो। क्या बात है पांडे, ये तेल लेकर क्यों आया है? इतनी देर उल्टा करके बांध रखा था ना, अब टकले से सभी के मसाज करवाएंगे। तो नमक मिर्च क्यों रखा हुआ है? आखिर में सूप भी तो पिलाएंगे। वे वे वे, अरे यार, ये गूंगा भी ना जिंदा रहेंगे तो तुझे भी मिलेगा यार। 1998 में दो मर्डर हुए थे, कातिल ने जुर्म कबूल नहीं किया तो मुझे बुलाया गया। अंदर जाकर बस 5 मिनट में उसने 2 खून का जुर्म कबूल किया, उसके अलावा एक्स्ट्रा 3-4 खून भी किए, उसके लिए भी हाँ कर दिया। बिहार में भी ऐसा ही एक केस था, कातिल मुंह ही नहीं खोल रहा था, राजेंद्र को तुरंत भेजी, ऐसी खबर आई। जब बिहार सरकार ने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ चला गया। सर, ये सब तो सो गए सर। सो गए? तू इन्हें कहानी सुनाएगा तो वो सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? फौरन ट्रीटमेंट शुरू कर। जरूर सर। अगले 24 घंटे में सच सामने आना चाहिए। आ जाएगा सर, वरना तुझे गोली मार दूंगा मैं। इन्हें सुलाकर कहानी सुनाना ही गलत था। ओए,
उठो बे, उठो उठो, तेरे बाप का घर है जो सो गया, उठो। मसाज खत्म हो गया क्या? अब हम उठ सकते हैं ना? ये मारने वाला काम इस पुलिस पांडे पर मत करना। सर, अब डिपार्टमेंट वाले हैं। हाँ बिल्कुल। सच के पुलिस नहीं, नाम है पुलिस पांडे। पुलिस नहीं है तो पुलिस पांडे नाम क्यों रखा? सर सर सर, अरे रुकिए सर, वो बहुत पुरानी कहानी है सर। रुकिए सर, बताता हूँ, पहले अपना हाथ तो हटाइए। अपने माँ बाप के हम लोग तीन प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उसमें बड़ा बेटा वकील बने, दूसरा बेटा डॉक्टर बने और प्यारा बेटा यानी मैं पुलिस बनूं, ऐसी उनकी इच्छा थी। इसीलिए हम सभी को वो वकील पांडे, डॉक्टर पांडे, पुलिस पांडे कहकर प्यार से पुकारने लगे। किसी ने उनकी इच्छा पूरी की या नहीं? हम में से किसी ने अपने पापा एमएलए पांडे की इच्छा पूरी ही नहीं की। तुम्हारे पापा एमएलए थे? वो एमएलए बने ये हमारे दादा मिनिस्टर पांडे की इच्छा थी। इच्छा ही थी ना, इतनी देर से बकवास किया जा रहा है, देखते रहो मुंह कैसे बंद करता हूँ। बकवास करेगा इतनी? बस बकवास ही कर रहा था ना, इसके लिए इतनी बड़ी सजा क्यों दी? ए, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ आके बैठी हो? मेरे पीछे घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है। परेशान करके रख दिया, अभी बताता हूँ। तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं अगर चला गया तो तुम अकेले यहाँ पे रह लोगी क्या? देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुंह खोल के बता नहीं सकती हो क्या? जब मैं 5 साल की थी तभी मेरी माँ गुजर गई, लेकिन पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे पाल पोस कर उन्होंने ही बड़ा किया। गांव में किसी को भी कोई भी परेशानी होती थी तो पापा हमेशा उनका साथ देते थे। नमस्ते मालिक, अनाज पैदा करने वाली जमीन को इस तरह बेच रहे हो, कल को खाओगे क्या? अनाज हम पैदा करते हैं, दाम कोई और लगाता है, सबका हिसाब लगाओ तो मूल भी नहीं मिलता हम लोगों को। मेहनत करके खाने वाले तुम्हारे हाथ है, कल को घर में खाली बैठना पड़ेगा तो क्या करोगे? सिर्फ इतना ही नहीं मालिक, यहाँ हर किसी पर 2-2, 3-3 लाख का कर्जा है, इसीलिए जमीन बेचनी पड़ रही है मालिक। अब बहुत ईमानदार आदमी है इसलिए मैं राजी हुआ। ब्याज भी आपसे आधा ही ले रहा हूँ, बाकियों को तो छोड़ता ही नहीं हूँ। ये लीजिए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये सब सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। वर्धन से पापा ने जो पैसे लिए थे उससे गांव वालों का सारा कर्जा चुका दिया और उसके बाद गांव में फसल भी अच्छी हुई। हम सब बहुत खुश थे, गाँव में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन अचानक पापा को हार्ट अटैक आया। तुम्हारे साथ हम सब लोग हैं ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ए, दे मुझे। माड़ी चंद बहुत अच्छे आदमी थे, इनकी मौत पे मुझे भी दुख है, लेकिन 50 लाख का कर्जा लेके मरे हैं। तुम में से अगर कोई 50 लाख की जिम्मेदारी लेगा और गवाही पेपर पे साइन करेगा तो ही अर्थी उठाने दूंगा। क्यों? अरे सब भाग गए क्या? अब तुम अपने बाप की उधारी कैसे चुकाओगे? बिना उधारी के अर्थी ले जाने नहीं दूंगा। क्यों भाई? अब तुम्हारे लिए एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या है ना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझसे शादी करोगी ना? है? तुम बस हाँ कर दो, राजा की तरफ विदा करूंगा तुम्हारे बाप को। सच कह रहा हूँ। शादी करोगी ना? शादी करोगी ना? हमारा गांव खुशहाल रहे इसलिए पापा ने वर्धन से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन पापा की मौत के बाद उन पैसों को चुकाने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था इसीलिए वर्धन के साथ जाना पड़ा। मैं उससे शादी करना नहीं चाहती थी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की और उसी वक्त तुमने अंदर आकर मेरी गर्दन पर चाकू रखा और मुझे मरने से बचा लिया। ठीक है,
भगवान ने मेरी मौत टाल दी, मैंने ऐसा सोचा। उसके बाद एहसास हुआ, भले ही तुम किसी के गुलाम हो लेकिन सिर उठाकर जीने की कोशिश तो कर रहे हो। मुझे भी लगा कि मरने से बेहतर है कि मैं तुम्हारे ही काम आ जाऊं, इसीलिए वो पैसे तुम्हें दिए। जो भी हो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि 15 लाख देकर तुम अपना कर्जा चुका दोगे, लेकिन तुम हो प्यार मोहब्बत इन सब बातों के पीछे पड़ गए। अच्छा तो वो पैसे वर्धन के थे, लेकिन दे तो ऐसे रही थी जैसे कि वो तुम्हारे हो। ठीक है गुस्सा मत करो, ये बताओ आगे क्या करने वाली हो। वर्धन से जो कर्जा लिया है उसे चुकाना है। लेकिन चुकाओगी कैसे? पता नहीं, लेकिन चुकाना है। तब तक वर्धन चुप बैठा रहेगा, क्या सोच रही हो? अब तक वो निकल चुका होगा। वो ना दिल्ली में, मैं अपनी सहेली के घर जाने वाली हूँ। मुझे धोखा देने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद बेसहारा की तरह खड़ी हो कि कहाँ जाऊँ। मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ, तुम जाओ। क्या है यमुना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अब अलग ही होना चाहती हो? एक चाय तो साथ में पी लो, चलो आ जाओ। अरे खाओ ना डार्लिंग। नहीं नहीं बस अभी खाऊंगी मैं। हाथ से खाओ ना। क्यों मना कर रही हो? ए खाओ ना, अरे मुझे चाय चाहिए। खाओ प्लीज प्लीज, खा लो। नहीं नहीं शादी हुई है। अरे बाप रे, बीवी है मेरी, मेरी रानी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? अच्छा। नहीं ना, ऑफिस के काम से भी 2-3 दिन और बाहर रहूंगा, काम खत्म होते ही सीधा तुम्हारी बाहों में। आई लव यू डार्लिंग। अभी भी उससे बातें करते हो ना तुम? सिर्फ फोन पर इतनी बातें होती हैं। झूठ मत बोलो। झूठ क्यों बोलूंगा मैं? जा रही हूँ। सुनो बेबी बेबी, ऑफिस का ट्रिप भी अब खत्म ही हो गया। सेकंड वाइफ है क्या? ऑफिस में काम करती है। गली में मंगलसूत्र भी था ना? अरे वो क्या है ना, इस एरिया में रेड बहुत पड़ती है, मंगलसूत्र बांध दो तो सेफ्टी हो जाती है। ये देखो मेरे पास बहुत सारे हैं, एक तुमको देता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के गले में बांध दो। थैंक यू। चुपचाप यहाँ से भागो, भलाई का जमाना नहीं है। खैर छोड़ो। बेबी बेबी मैं आ रहा हूँ। बेबी मैं जा रही हूँ। फिर कब मिलोगी? बाय। बता, तेरी गाड़ी में बैठ के भागे थे वो लोग, बता कहाँ है वो? बता। बताता हूँ, जब वो उदयनगर में उतरे थे तब मुझे पता चला, वो चढ़े कब थे मुझे पता ही नहीं चला। साहब गाड़ी निकालो जल्दी, जल्दी चलो चलो। पैसे की बात कर ले, माल अच्छा है। रेडी हो ना? चले क्या? मुझे आने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उससे पहले उनसे बात कर लीजिए। उनसे? ये उनसे कहाँ मिलेंगे? उस खंबे के पीछे होंगे, देखिए। हेलो भाई। क्या? उसका कितना रेट लगाया है? रेट किसका? और किसका, वही पार्टी का। अरे कितना लोगे बताओ ना, क्यों भाव खा रहे हो? जितना भी बताओ हम तैयार हैं। इतना क्या सोच रहे हो? अरे जो भी पैसे बोलोगे हम दे देंगे। हाँ बताओ ना भाई। पैसे? ए, रुको। अब समझ में आ गया ना, जवान लड़की रात में अकेली घूमे तो क्या होता है। ओह तो इसीलिए तुम मेरे पीछे आ रहे हो। हाँ हाँ जरूर, तुम कोई हूर की परी हो ना? परी नहीं हूँ, यमुना हूँ। यमुना हो या जमुना, नाम तो देखो। अपना नाम देखो, गुरुदेव, जैसे सबके गुरु। ए, मेरे दादाजी का नाम है वो। हाँ तो मेरे भी गुरु बनोगे क्या? अकेले छोड़ने में भी तुम्हारी चर्बी कम नहीं है ना? ए, क्या हो रहा है यहाँ? ऐसा सर, कुछ नहीं सर। प्रॉब्लम है। कौन है ये, तुम्हारी लवर है क्या? हाँ सर। नहीं सर। ये क्या, तुम हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे? चलो गाड़ी में बैठो, थाने चलकर बात करेंगे। लेकिन धक्के मार कर ले जाऊँ क्या? चलो गाड़ी में बैठो। हाँ थैंक यू। जीप में बैठने को बोल रहा हूँ, चुपचाप बैठते हो कि लगाऊं चार डंडे? चलो बैठो। अरे अरे नमस्ते नमस्ते, आइए 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 आइए, सही समय पे आए, कंपनी मिल जाएगी, आइए आइए बैठो। डार्लिंग थोड़ी जगह दो इनको, आइए 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 यहाँ पे आइए। अरे जो होगा देख लेंगे, आप आइए आइए। सर कोई बढ़िया सा गाना लगाओ ना, अमिताभ बच्चन वाला। अरे नसीब का है क्या, नहीं तो लावारिस लगा दो। गुड नाइट सर। तो कई बार आ चुका है, लेकिन ये दोनों कौन है, नए लग रहे हैं।
सर कौन सी लॉज से उठा कर लेके आए? लॉज से नहीं लाया सर, ये लड़का और वो लड़की दोनों रोड पर झगड़ा कर रहे थे, पूछा तो सही जवाब नहीं दिए, इसीलिए पकड़ कर ले आया। लड़की तो शरीफ लग रही है, कहाँ से लेकर आए हो इसे? मैं इसे लेके नहीं आया, ये ही मुझे लेके आई है। मुंह बंद करो सर, ये मेरे साथ शादी करके मुझे छोड़कर भाग रहा है, तो मैं झगड़ा ही करूंगी ना। ए, मैं कहाँ भाग के जा रहा था, तुम ही तो मुझे हमेशा भगाती रहती हो। हाँ ठीक है मैं कहती हूँ, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हो? ज्यादा मत बोलो, ये पुलिस स्टेशन है इसलिए, वरना यहीं मार डालता। अच्छा मारोगे? मार कर दिखा, 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 मैं भी देखती हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी को क्यों पकड़ रहे हो? संभालिए, गोली चल गई। जल्दी से गन छीनो, नहीं तो सबको मार डालेगी। गोली चला के मुझे जेल भेजना चाहती हो? जेल से पहले तो ऊपर पहुँचाऊंगी। सर इसे संभाल के अंदर रख लीजिए। अरे बाप रे बाप, मान ही डालते। सर ठीक कर तो है ना? चल बे। थैंक्स बेटा। कोई बात नहीं सर। पति पत्नी को उठा कर ले आए, तुमको अकल वकल है कि नहीं? लड़की तो पागल लग रही है। अरे बस गया तो मर जाता मैं। जीप में बिठाया था तो इसके गले में मंगलसूत्र नहीं था सर। अरे बाप रे, झूठ बोल रहे हैं सर। जीप में चढ़ते समय मैंने अपनी आंखों से देखा था, यह मंगलसूत्र था गले में। अरे क्या है? लोगों को क्या हुआ? क्या कर रहा है? बंद करके आ, चुपचाप आ। एक कलाकार की इस देश में कोई सुरक्षा है कि नहीं? प्रशासन अपना कर्तव्य भूल रहा है। अरे यहाँ तो पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तुम्हें क्या हुआ पहले ये बताओ। वो बात इस खूनी से ही पूछ लीजिए। ए, क्या किया है तूने? बस बार बोलना गलत बात है क्या सर? ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तू उसे कितनी बार बोलेगा? पूरब देवी के मंदिर गया था, वहाँ भी वंस मोर बोला था। पाल काट में गाना गाया, दीवार के सहारे अंदर आकर वहाँ भी वंस मोर बोला। मेरी आवाज जहाँ जहाँ भी सुनेगा वहाँ वहाँ ये वंस मोर बोलेगा। ये तो अच्छी बात है बालादास, फिर तो ये बहुत बड़ा फैन है आपका। जाइए पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मेरे डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हारा गला खराब है, ज्यादा जोर मत देना वरना ये फट जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे श्रोताओं के लिए तो गाना ही है ना। एक बात बताओ, इस गाने को गाने वाले सिंगर ने भी ये गाना इतनी बार नहीं गाया होगा? आज मेरी जान पर खतरा आया है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ यही इंसान है, इसे अटेम्प्ट टू मर्डर में। नहीं नहीं, आपको जितने सेक्शंस पता है वो सारे केस कर दो इस पर, मैं गाने गा कर ही केस जीत लूंगा। वो तो ठीक है बनाना, लेकिन ऐसा कौन सा गाना जिसमें जोर लगाना? इनके रोते हुए बात करने में कितना मजा आ रहा है। अगर ये गाना जोर लगा कर गाते है ना तो रात भर आपको नींद नहीं आएगी। वंस मोर बोलते दास, थोड़ा शांत हो जाइए। अरे भतीजे, देख लिया क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है फूफा? तुम कुछ मत बोलो, मैं सब समझ गया हूँ। बालादास, इसे आप जानते हो? सिर्फ जानता हूँ। इसका नाम गुरुदेव है, भतीजा है मेरा, तंजौर के गुरुजी का बेटा है। किस्मत देखी तुमने, ऐसी पुलिस स्टेशन में तुम्हारे पापा ने भी मुझे पकड़ा था। मामा, आप जैसा समझे वैसा नहीं। मुझे पता है तुम लोगों के प्यार को उन्होंने हरी झंडी नहीं दी होगी, यही है ना? गया। कैसे मानेंगे वो, जब मैंने मोहब्बत की थी तो भी उन्होंने उंगली उठाई थी। फूफा, अब मुझे भी बोलने दो। तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारे पापा नहीं माने तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, तुम दोनों निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर, इन दोनों को मैं लेकर जा रहा हूँ। एक बात सुनो बालादास। क्या हुआ? ये लड़की तो तुरंत पिस्तौल उठा लेती है, घर बसाने लायक है या नहीं पता नहीं, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझा बुझा कर ले जाओ। बेटी, इसके बाप को तुम ही गोली मारना। मैं तो डर के भाग गया था, लेकिन तू सही लड़की लेके आया है। आ रही हूँ बाबा। तुम तो बहुत बड़े सिंगर हो ना, हर शो के बाद इनकी आरती उतारनी पड़ती है। आ वाह, देख क्या रही हो, पहचाना इसे कि नहीं? मैं कैसे बोल सकती हूँ, गुरुदेव तुम्हें अब हमारी याद आई क्या? अरे आरती उतारो, बाद में बात करना, ये भी अपनी तरह लव मैरिज करके आया है। अरे रो क्यों रही हो? रोना नहीं, इन लोगों को जहाँ आना था वहीं आए हैं, सब ऊपर वाले की मर्जी है। हम प्रेमियों की वजह से बिछड़ा हुआ परिवार इनकी वजह से जुड़ जाएगा। गुरुदेव कहाँ है यही तो पूछ रहा हूँ, तुम लोग एक भी शब्द नहीं बोल रहे हो, इतनी चर्बी है तुम्हें। अगर तुमसे मैं सच नहीं निकलवा सका, वर्धन और उसके दादा जिंदगी भर मुझे भी गुलाम बना लेंगे, यही चाहते हो तुम लोग? अब तुम लोग मेरा प्लान देखो। ये अब क्या करने वाला है? माचिस, बाप रे, मेरी जान बचाने का शुक्रिया भगवान, फिर से चला रहा है। भगवानों के भगवान। तू दोस्त को बचा रहा है ना? कुंगे तेरी इतनी हिम्मत आई? इस कुंगे को डार्क रूम में लेके जाओ। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। क्या हुआ भतीजे,
ये सब क्या है? ये तो झालर है, तुम जैसे ही करीब जाकर छुओगे तो चपक चपक कर जलेगा। वो सब तो मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब है किस लिए? फर्स्ट नाइट सेटअप, कलरफुल, आंखों को मस्त नहीं दिखना चाहिए क्या? फर्स्ट नाइट किसकी? अरे मेरा और तुम्हारी बुआ का। मामा और क्या, बेवकूफ हो जैसे सवाल करता है। इस घर में तो दो ही है इश्क के कबूतर। कौन? एक तुम और यमुना, दूसरा मैं और तुम्हारी बुआ। वो ना, हम लोग जब गांव से भागकर यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में ट्रक में सुहागरात मना ली। ट्रक में ही? हाँ ट्रक में ही। अरे शोर मत करो, ये सुनते ही तुम्हारी बुआ टेंशन में आ जाती है। उसके बाद से अगर उसे कोई गाड़ी नहीं पसंद है तो वो है ट्रक। ये लो भतीजे, हमारी तरफ से रेशम की धोती और कमीज पहनकर इंतजार करो, थोड़ी देर में यमुना आ जाएगी। उसके बाद सोई सोई बबरबम, सोई सोई बबरबम, सोई सोई बबरबम। जैसा मेरे से कहा वैसे यमुना से जाके फर्स्ट नाइट के बारे में मत बोल देना, वैसे भी वो बहुत टेंशन में। यहाँ से भाग गई तो कहाँ ढूंढोगे? कौन? यमुना? आधे घंटे से तुम्हारी बुआ के पास बैठकर मेकअप करवा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांच की चूड़ियां मत पहनाओ, हमारे चिपकने से टूट जाएंगी। नाक में सोने की नथनी पहनने के लिए बोल रही थी भतीजे। और हाँ, होंठ पर 3-4 रंग की लिपस्टिक लगा रखी है। टाइम हो गया, तुरंत रेडी हो जाओ। कितना शर्माता है रे तू। हो गया। सोई सोई बबरबम, सोई सोई बबरबम। मेकअप करवा रही है। क्या बात है गुरुदेव, रेशम की धोती, रेशम की कमीज, फर्स्ट नाइट के लिए तैयार बैठे हो? वो मामा ने ये सब उनकी तैयारी है ना? हाँ जी। माता के मंदिर में जैसे जागरण होता है वैसे ही झालर से सजाया है। अचानक हुआ ना ये सब, फूल कम पड़ गए इसीलिए लाइट से सजा दिया। तुम्हारे फूफा जी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। जब वो ऑर्केस्ट्रा में गा रहे थे तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उनके ही घर आऊंगी। ये सब बातें अभी किस लिए? लाइफ में सब ऐसे ही होता है, आगे क्या होने वाला है पता नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले को सब पता होता है। तुम भी इस बात को मानते हो ना? ये अचानक बदलाव कैसे आ गया? अब तुम मुझे ही देख लो ना, कल रात वर्धन के साथ मेरी सगाई थी और आज रात तुम्हारे साथ सुहाग रात है। कॉमेडी सा लग रहा है ना? कॉमेडी सा? तब तो हो गया। तुम मेकअप कर रही हो जब मेरे मामा ने मुझे बताया ना, तो मैं भी तैयार हो गया। सब वेस्ट हो गया, मेरे लिए जमीन ही ठीक है, मैं नीचे सो जाता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम यहीं सो जाओ। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, लेकिन ईमानदार बहुत हो। मुझे अच्छे से याद है जब ट्रक में एक दूसरे के बगल में सो रहे थे तब भी तुम आराम से सोते हुए आए थे। तब फुल बोतल के नशे में था, होश ही नहीं था मुझे, लेकिन मेरी सारी इंद्रियां काम कर रही थी। मैं नीचे ही सो जाता हूँ। गुरुदेव मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ सो जाओ। दिल की बात समझ कर भी अनजान बन रही है, टॉर्चर कर रही है ये। गुरुदेव चुपचाप हाथ बांध कर सो जाओ। सारे लड़के सोचते हैं एक सुंदर सी लड़की से शादी करके कहीं अच्छी जगह जाके हनीमून मनाने का सपना देखते हैं। मेरे साथ सब होते हुए सपना ही रह गया। क्या कहा? तुमने सब सुन लिया क्या? सो जाओ। ये क्या बदतमीजी है, इतना समझाया लेकिन अपनी असलियत दिखाई दी। जाओ जाकर नीचे सो। इसीलिए मैं पहले ही कह रहा था मुझे नीचे सोने दो। नींद में पता नहीं चलेगा ऐसा सोचा था ना? जान खा रखी है। चालाकी तो देखो, सो चुप जाओ। हाँ ठीक है। बहुत ठंड लग रही है। कहाँ ठंड लग रही है, चाय पीकर चलें क्या? पीते हैं ना। भैया दो चाय देना। जी साहब। ये लीजिए। ये लो। ए, मंगलसूत्र कहाँ है? रात को ही उतार दिया था। उतार दिया था? मैंने तो कल रात ही फैसला कर लिया था कि ये मंगलसूत्र का रोल मुझ पर सूट नहीं होने वाला। ए, जब चाहे पहन लिया जब चाहे उतार दिया, ये कोई कपड़े का धागा नहीं है यमुना, मंगलसूत्र है। हा? तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता है क्या? रुको रुको, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे पहनाए हुए मंगलसूत्र को मैंने उतार दिया हो। करेक्ट, तुम्हारा कहना भी ठीक है, मुझे ही पहना देना चाहिए था। क्या कहा? पहनाऊंगा, एक दिन जरूर पहनाऊंगा तुम्हें मंगलसूत्र। तुम ना पैसे देकर यहाँ से जाने के बारे में सोचो।
ये लो। नहीं भाई, पैसे मिल गए। किसने दे दिए? वही जो कार में बैठा। कैसे मारता है? हैं? इधर दे। मार डालूं क्या? हैं? सोच क्या रहे हो? मारूं? हाँ? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ? प्यार नहीं करती हो? तो फिर इसके साथ भाग के क्यों आई? मैं कहाँ भाग कर आई थी? ये खुद मेरे पीछे चला आया था। हाँ? पीछे आया? और क्या, तुम्हारा झगड़ा करना मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए मैं भाग कर आ गई थी। लेकिन तब भी तुम सुधरे नहीं हो, फिर से वही कर रहे हो। छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा। तो फिर कल शादी करने के लिए तैयार हो ना? आकर गाड़ी में बैठो। वालों के लिए एक संदेश, आयवर्धन जी का विवाह उनके घर पर ही बड़े धूमधाम से किया जाएगा। आप सभी लोग आकर अपना आशीर्वाद देना ना भूलें। मुहूर्त तो टाइम हो गया है बेटी, ये साड़ी पहन के नीचे आ जाओ। क्या हुआ, साड़ी पसंद नहीं आई क्या? मुझे तो शादी ही पसंद नहीं है। हम्म, ए मजाक कर रही हो क्या? सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार हो के नीचे आ जाओ। मेरी बात सुनो। हाँ? मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या कहा, शादी नहीं करनी है? उस गुरुदेव को वही मार डालना चाहिए था, तब तू मुझे ऐसे मना नहीं करती। ये मेरी ही गलती है। और कर दिखा। गुरुदेव की वजह से मैं इस शादी से इनकार नहीं कर रही हूँ। तो फिर? शुरू से ही तुमसे शादी करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, प्लीज मेरी बात को समझो। मेरी बात सुन, तुझे दो चांस देता हूँ, मुझसे शादी करके खुशी से रह, या फिर मुझसे शादी करके उदास रह। इसमें से क्या चुनना यह फैसला कर ले, आखिरी वक्त में वो तुझे आके बचा लेगा, ऐसा मत सोचना। ये मेरा इलाका है, वो आकर कुछ 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 उखाड़ लेगा, ऐसा मत सोचना। मार डालूंगा। इधर देख, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये साड़ी पहन के नीचे आ जा। मुस्कुराते हुए
नमस्ते 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 बैठिए माला पहना दीजिए। लाओ दो ये अचानक से भाई वर्धन के घर एक मौत हो जाने की वजह से वर्धन भाई की होने वाली शादी रुक गई है। आप सभी को सूचित किया जाता है। बहुत बुरी तरह से मारा। तुम लोगों की तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। जब पीटा था मर गया था तो गाड़ देना चाहिए था ना भाई। उसे पीट कर रूम में डाला था तब सांस चल रही थी। मैं क्या करता, वो काम वाली चिल्लाने लगी भाई। वो चिल्लाई तो क्या, लाश उठा के बीच आंगन में डाल दोगे क्या? सारी भीड़ एक साथ आ गई थी भाई, शादी का माहौल था ना, सारे लोग बार बार हमसे पूछ रहे थे भाई। मैं बॉडी को अभी जाकर फेंक देता हूं। करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये कुछ सोचना पड़ेगा। ये मुसीबत भी अभी ही आनी थी तो। भाई वो गुरुदेव आ गया भाई, उसकी तो मैं। हाँ, अब उसे भी मार डालो और उस गूंगे के साथ जाके सुला दो। एक को मार के पहले से ही मेरी मुसीबत बढ़ा दी और अब तू दूसरा खून करने के लिए बोल रहा है। भाई अब हम लोग क्या करें? कहाँ लेकर जा रहा है पांडे? जो मर गया वो हमारा दोस्त था, उसकी मौत का बदला हम लोग लेके रहेंगे। सही कहा तुमने। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्धन को इसके जरिए पुलिस के हवाले करवाना होगा। करेक्ट। तुम एक काम करो, इस शादी वाले माहौल को मातम में बदल दो, बाकी मैं देख लूंगा। तूने कह दिया है ना, मैं देख लूंगा। तू जा। ए, वो खुद को रिश्तेदार बोलने वाले कहाँ हैं? यहीं पीछे चाय पी रहे हैं। चलो आप। बेशरम कहीं के तो बोल रहा है। अरे तुम दोनों को बेशरम कह रहा हूँ, सवाल कर बात करो। क्या गलत बात कर रहा हूँ? यहाँ एक की मौत हुई है, ये दुख की बात है। अगर मेरी देखरेख में अगर कोई मरा होता ना तो मेरे मुंह में पानी तक नहीं जाता। और तुम लोग जानवर कॉफी दो तो पिए जा रहे हो, चाय दो तो पिए जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक दो तो पिए जा रहे हो। लगता है पूरे परिवार का सूसू दो ना तो वो भी पी जाओगे तुम दोनों। अरे क्या है, उसकी लाश के साथ जो संस्कार करने हैं उसकी औकात नहीं है। वो कार्यक्रम मेरे हाथ में देकर देखो मैं कैसे सेलिब्रेट करके दिखाऊंगा। साल बाद वर्धन के घर पर मौत हुई है, हमें उसे धूमधाम से मनाकर उसे दिखाना है कि हम कैसे रिश्तेदार हैं। अरे बैठी क्या उठ, अरे तू मेरी पत्नी को क्यों मार रहा है? अरे हम लोग अलग हैं क्या? अब तक मुझे पता नहीं था कि तेरी पत्नी अलग है और मेरी पत्नी अलग है। अरे चलो 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 हटाइए। दादा ये क्या हो रहा है? शादी में आए रिश्तेदार हैं। शादी पे आए थे ना, तो बहुत पीछे रो रहे हैं। हटाइए इनको यहाँ से। चलो हटाओ इन्हें, हटाओ जल्दी हटाओ। चलो चुप हो जाओ। बात हुई है तो रोना तो पड़ेगा ही ना, ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं। वो सब मैं देख लूंगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। अगर रोएंगे नहीं तो आपके घर से मौत का दोष नहीं मिटेगा। सगाई वाले दिन आपने वादा किया था इस घर में कुछ भी होगा तो अरेंजमेंट तुम लोग करोगे। मेरी फूटी किस्मत, तुम लोगों को रिश्तेदार बताते हुए शर्मा इनको अपनी जुबान से पलट गए। देखो 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 अभी ये सजावट कर रहा है। आखिर आधी धोती हमने जला ही दी। Oh, my God.
मैं आ गया हूँ ना। तुम्हें वहीं छोड़कर चली आई। तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हर एक पल यही सोचकर मुझे कितना डर लग रहा था। मैं भी डर गया था जब वर्धन के घर मौत की खबर सुनी। कहीं तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ये सोचकर डरता हुआ भागा चला रहा हूँ। अगर कहीं ऐसा कुछ हो जाता तो यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता। मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। क्या करना है बोलो करूंगा। यहाँ उसका कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसा वर्धन बोलता है। तुम उसे मार डालो उतना ही काफी है मेरे लिए। बस इतना ही ना। धीरज रखो। इतनी देर तुम मुझे सीने से लगाए हुए थे। अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो यार। अरे यार परेशान कुछ नहीं होगा। ये वर्धन का है। इसकी तो आज उसे छोड़ूंगा नहीं। वर्धन को बाद में देख लेंगे। तुम पहले मेरे साथ आओ। पूरे 10 लाख है। आपको किसी पर शक है क्या? उन चारों ने ही किया होगा सर। ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकता हूँ इसमें भी 10 लाख है। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। डेड बॉडी है सर। सी दिस फोटो। या इट मैचेस। इट्स द सेम गाय। श्योर दिस इज द सस्पेक्ट। सर्च द प्लेस। सर्च एवरीवेयर। ही चेंजेस लुक्स एवरी टाइम। या आधे घंटे में बॉडी निकल जाएगी। अरे सुनो भाई हमारे घर में एक अंग्रेज अपनी पत्नी के साथ आया है। अंग्रेज आया है? हाँ साथ में एक निगरो भी है। कोट पहने ऑफिसर्स आए हैं। कौन है वो सब? पता नहीं पूछने गया तो इंग्लिश में बोलने लगे। इंग्लिश में? हाँ वरदान भाई वो लोग तुम्हारी शादी में आए हैं या उसकी मौत पर रोने आए हैं पता नहीं। हे हे कौन हो तुम? हे चिल्लाओ मत। हु आर यू? सीबीआई और इंटरपोल ऑफिसर्स हैं। ये क्या होता है? दिल्ली पुलिस और विदेशी पुलिस साथ में आई है। थोड़ी देर चुप रहो। देखो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं तुम सबका हिसाब कर दो। मैं सबको बांटना नहीं भूलूंगा। अगर इनको पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या बात कर रहे हो सर? ये बैग उस कमरे में मिला। पिस्तौल। सब ध्यान से सुनिए। ये कई देशों में तबाही कर चुका है लेकिन ये हमेशा खामोश रहता था। ये एक लंबे अरसे से वांटेड है क्योंकि एक आतंकवादी है। आतंकवादी है? ये कई दुश्मन देशों से जुड़ा हुआ था और सिर्फ इतना ही नहीं ये कुल मिला के 16 भाषाओं को जानता था। 16 भाषाओं था? लेकिन ये तो गूंगा था। लेकिन इसने हमसे तो एक भी भाषा में बात नहीं की थी। इस आतंकवादी को जिंदा या मुर्दा हवाले करने पर सरकार ने इस पर पूरे 50 लाख का इनाम रखा हुआ था। 50 लाख रुपए? इसको किसने मारा है बोलिए। भाई बोल दो कि मैंने मारा है। ए, तेरा भरोसा नहीं करेंगे ये। बोलिए किसने मारा? इट्स मी। हाँ मैंने मारा। इट्स मी। ये मेरा ही खून है। वेरी गुड। 50 लाख का इनाम और एक प्रशंसा पत्र दिल्ली से आपके पास आए। जयराजन कलेक्ट ऑल द डिटेल्स। अरे सुनो तुम्हें जो पैसे दिए है ना उसे इन चारों को गांव के बाहर ले आकर छोड़ दो समझे? जाओ जाओ जाओ। ए चलो। हम क्यों हैं? ये तुम्हारा दोस्त था ना तुमसे पूछताछ करनी है। चलो। आतंकवादी को कैसे मारा सर? ये आतंकवादी आपको कैसे पता चला? ये आतंकवादी एक आम नौकर की तरह मेरे घर में नौकरी कर रहा था लेकिन मुझे उसके ऊपर शुरू से ही डाउट हो गया था। किसी की भी आंखें देखकर मैं बता सकता हूँ कि वो आदमी सही है या गलत। आप लोग खुद मेरी आंखों का पावर देख सकते हैं। और ऐसे ही जब मैंने उसे फॉलो किया तो मुझे पता चला कि ये जरूर कोई गलत इंसान है। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपनी पिस्तौल निकाली और मुझ पे तान दी। मैं या देश? सोचा तो पाया देश ही तो हमारी जान है। इन्हीं हाथों से उसे मार डाला। ये देखो यहाँ मुझे चोट भी लगी है और इसीलिए मैंने आज होने वाली शादी को कल तक टाल दिया है। आप बहुत ग्रेट हो सर। थैंक यू। हम जो काम कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन है ये सब? देखते हैं। ए, कौन है ये लोग? ये कौन सी जगह है और तू हमें यहाँ क्यों लेके आया है? बताता हूँ। हेलो क्या चाहिए? बाला है क्या? सामान देखना था। रुको पूछता हूँ। हेलो किसी को बुलाया था क्या? हाँ ले आओ ले आओ। हाँ ठीक है बांध दो इनको। चलो भाई आके बांधो। सीधे खड़े रहो।
ये हमारे आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? ताकि हमारा अड्डा ना पहचान पाओ। अबे घर के अंदर तक तो आ ही गए हैं ना, अब इसके आगे जाने में पट्टी किस लिए चाहिए? अभी तो घुमा रहे हो, अरे घूमते रहो। अभी मैं कहाँ पर हूँ? अबे उधर कहाँ चढ़ रहा है, इधर चल, चलो चलो। सीढ़ियाँ इतनी ऊंची क्यों हैं? फिर चढ़ रहा है तो चल इधर, चल। आजा आजा आजा, संभल के संभल के, हाथ नहीं छोड़ना, संभल के, आराम से। आजा आजा आजा, मेरे पीछे पीछे आजा, चलो। ए इनकी पट्टी खोल दो। कहाँ हैं हम? ये क्या अगरबत्ती बनाने वाली जगह पर ले आया है ये बाला? वो देखो चेयर पे बैठे हैं, बॉम्ब बना रहे हैं। नमस्ते बाला। हाँ नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तू किसी गलत मोड़ पर चला आया है। जैसे तैसे उस आतंकवादी की वजह से हमें मासूम समझकर उन्होंने छोड़ तो दिया है, लेकिन यहाँ लाकर तूने हमें अटका दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अगर फंस गए ना तो हमारी जिंदगी हमारी नहीं रहेगी। पांडे मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा करो। ए, नाप किसका लेना है? इनका लेना है। ए, नाप ले आके। हाँ, लेता हूँ लेता हूँ। ये क्या नाप लेने के लिए बोल रहा है? ए, सीधे खड़े रहो। कंधा कितना है? 15 इंच। ये नाप किस लिए ले रहा है? ए, सीधे। अरे मुझे कोई कुछ बताएगा? अच्छे से ले। कमर का नाप ले दो। हाथ ही गायब है। कमर 28। इसकी आँख गायब है। कमर 28 लिख। ऐसे मत देख भाई, डर लग रहा है। सीना 36। इन लोगों नाप हो गया। मेरी तो हालत खराब हो रही है। इनका धंधा ही ऐसा है। लीजिए भाई। ये क्या कॉफी मांगी थी, लस्सी लेके आया? बोलता कुछ और सुनता कुछ और है। ए नाप दे जरा। ले नकली जैकेट बना के ला। नकली जैकेट किसके लिए बे? तेरे लिए। अरे मुझे जैकेट की क्या जरूरत? और ये जैकेट पहनकर सड़कों पर घूमने का मौसम है क्या? तुझसे दोस्ती करने की वजह से सब लोग मुझे पागल समझने लग गए हैं। तू क्या सोचता है मेरे बारे में? बोलना क्या लगता है तुझे मेरे बारे में? मैं लूजर दिखता हूँ? लूजर दिखता हूँ क्या मैं तुझे? बोल। टाइट है क्या? क्या टाइट है? बॉस सारे लॉक कर दिए हैं। बात करते करते इन्होंने तो शरीर पर बॉम्ब पहना दिए। डरो मत पांडे, ये नकली बम है। नकली बम है? हाँ। तो इसे मुझे क्यों पहनाया है? पांडे प्लान मैं बताता हूँ। हाँ। तुम ध्यान से सुनना। हाँ। हम वर्धन की शादी में जा रहे हैं। उसके मंगल सूत्र पहनाने के 5 मिनट पहले इस नकली बम के साथ तुम उसके सामने जाके खड़े हो जाना। बम को देखते ही वो और उसके आदमी डर के भाग जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, इसी बीच में तुम यमुना को लेकर भाग जाओगे है ना, और मैं वर्धन के हाथ लगकर मारा जाऊंगा। नहीं यार, यही प्लान है ना? लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं यहाँ। यमुना मुसीबत में है पांडे, हमें उसे बचाना ही होगा। तुझे ही बचाना होगा, क्योंकि उस लड़की से प्यार तूने ही किया। लेकिन मार तूने खाई है। सिर्फ मारा ही नहीं था, पिछवाड़े में बोतल भी घुसा दी थी। ये बात तो तूने मुझसे भी छुपाई है ना? इस गैप में मैसेज फॉरवर्ड भी कर दिया ना? ए, अबे क्यों दुनिया के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर रहा है यार? तो तुझे मारने वाले को ऐसे छोड़ दे क्या? अब चुप कर। तूने मेरे साथ बहुत बड़ा प्लान कर लिया है, अब तुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। इस ऑपरेशन के लिए मैं तैयार हूँ। ओम एक घंटा चवित में भक्त तुंडा चढ़ी में तन्नो दंती प्रचोदयात ओम गणा नाम का गणपते नमः। बोल लीजिए। उतार कर दिखाऊंगा तो भाग जाओगे। अपनी माँ से छिपक रही है। चल ये फूल यहाँ चढ़ा दीजिए। क्या कहा? अरे ये तो खीर है भाई। पांडे ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं, बहुत मस्त है। ए, ये सही चाहिए। चल अपना काम करते हैं। चल, अरे रुक जा रुक जा रुक जा। चलो चलते हैं। अरे रुक रुक रुक। अरे अब क्या हुआ? तू खुद ही मजाक के मूड में लग रहा है। वो नकली बॉम्ब है, नकली बॉम्ब है, लोग समझ जाएंगे। वहां जाके थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करना है। ठीक है, अब मुझे जाना होगा यही ना। अब देखना मेरा परफॉर्मेंस। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहाँ कैसे आ गया? कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ के हनुमान चालीसा क्यों गा रहा है? मुझे तो भगा दिया था ना। जैसा तू समझ रहा है मैं वो पुराना पुलिस पांडे नहीं हूँ। अब मैं मानव बॉम्ब बनकर आया हूँ, देखेगा। लगता है ये भी आतंकवादी है। ए, वो बॉम्ब फूटने से पहले उसे यहाँ से बाहर निकाल दे। लगता है इन्हें पता चल गया ये नकली है। यमुना चलो। और लगाएगा तो काट डालूंगा। ये बात है तो ये तेरी इतनी हिम्मत मेरे सामने? मार उसे। ए, मार डालो। Oh!
की कैसा नोटिस पढ़ो। हमारे संगठन के दूसरे लीडर मिस्टर पेन 407 लोकल दादा वर्धन ने जिन्हें मारा, इसलिए हम उनका अपहरण कर रहे हैं। वो तो आतंकवादी है। मेरे बेटे को आतंकवादी उठा के लेंगे। पांडे वर्धन तो गया काम से। हमारा ऑपरेशन सक्सेस सक्सेस। बाकी के सारे फल पैक कर दो, हम गांव चलेंगे। चलो चलो यहाँ से। हाथ छोड़ो, चलते हैं ना यमुना। कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मैं नहीं आ सकती, तुम वर्धन का अंत करके आओ, उसके बाद ही चलूंगा। ए, क्या है ये, कोई महाभारत है क्या जो हमेशा चलता रहेगा? हमारा प्लान ठीक तरह से खत्म हो चुका है। कल को वर्धन की गर्दन कहीं पेड़ पर टंगी मिलेगी या फिर नदी में बहता हुआ मिलेगा। जल्दी चलो गाँव चलते हैं। मुझे भरोसा नहीं है। इसे भरोसा नहीं होगा पांडे। यहाँ से 10वीं रोड पर 4 रास्ते निकलते हैं। हम चारों अगर वहाँ जल्दी पहुँचे तो उन आतंकवादियों को पकड़ सकते हैं। पकड़ कर फिर उन आतंकवादियों को मार कर वर्धन को यहाँ लेके आएंगे इनके सामने, फिर उसको भी मार देंगे। अरे वाह, आतंकवादी, वो भी इन लंगूरों के सामने। हम नहीं कर सकते क्या? ए, तुम्हें अच्छा जीवन साथी मिल गया है, कहीं जाकर खुशी खुशी जिंदगी बिताओ। इस तरह के काम करके दोस्तों को मरवाना नहीं चाहिए। योर फ्रेंडशिप इज कट, आई एम गोइंग टू आउटसाइड। ए रुको, क्या है? तुमने अग्रीमेंट किया था ना, तुम्हारी हर बात मानेगा, अब क्यों नहीं मान रहा है? वो तो किया है। मैसेज फॉरवर्ड। अरे ना सुन, तेरा मुझे तो अरे ले खा इसे। आज के बाद से किसी चीज के लिए मेरे पीछे मत आना। रुको रुको, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। यहाँ कहाँ से आ गया? एक छोटी सी गलती हो गई है। ऐसी गलती? तुमने नकली बॉम्ब की जगह असली बॉम्ब की जैकेट पहना दिया उसका देने। कोई बात नहीं, हाँ तो ठीक है, पहने रहो। तू ये खतरनाक खबर सुनाकर कहाँ भागा जा रहा है? अबे कुछ तो करना। मुझे कुछ और नहीं आता, मुझे सिर्फ नाप लेना आता है बस। हे भगवान, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, देखना ये क्या कह रहा है। भाई असली बॉम्ब लग गया। असली बॉम्ब? अबे कुछ करने को बोलना इसे। इसे डिफ्यूज कैसे करें? बॉम्ब 2 मिनट में फट जाएगा। 2 मिनट में फट जाएगा? ये लो चाबी, जल्दी कुछ कर। हो सके तो अपनी जान बचा लो, नहीं तो दिवाली मनाओगे। गुरुदेव चाबी मुझे। गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचा ले यार। अरे कुछ भी कर, इस बॉम्ब को निकाल। अरे मुझे मैं खोल नहीं होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। अरे तो सही, इतनी बड़ी चाबी। ये क्या है बे? तुम हमेशा इतनी बड़ी चाबी से बॉम्ब डिफ्यूज करेगा? तू अबे दूसरी चाबी लेके आ। मैं खोल रहा हूं ना। हेयर पिन से कोई भी ताला खुल सकता है। अरे वाह, तुम ही मेरी देवी हो। ये देवी माँ, आज से मेरे कुछ स्वामी नहीं हो, मेरे गांव में तुम्हारा बहुत। मुझे तो इसे क्या कर रहे हो? इससे कितने ताले खोल पाओगी? देखो इसे। नहीं नहीं, अरे ये खोल रही थी ना। इतने सारे ताले हैं, 1 मिनट में फटने वाला है ये, मरेगा क्या? ऐसी नेगेटिव बातें मत कर यार। मुझे पानी डाल दे दो, पानी डाल दे दो। ऐसे पानी क्यों छिड़क रहा है तू? अरे अगर मैं इस पर पानी छिड़कूंगा तो सारे बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएंगे। अबे दिवाली के बॉम्ब है क्या? अबे ये असली बॉम्ब है, असली बॉम्ब है ये। थोड़ी देर खड़ा नहीं रह सकता है क्या? मुंह बंद कर, मरते समय भी मुझे मार रहा है। और कोई रास्ता नहीं, वायर ही काटना होगा। हाँ करेक्ट, हरा वायर काट दो, बॉम्ब फटेगा ही नहीं। हरा वायर तुम्हें आता है क्या? मैंने देखा है, शाहरुख खान ने एक फिल्म में हरे रंग का वायर काटा था। ए, मैंने भी देखा था, अमिताभ बच्चन ने लाल वायर काटा था। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सारे ताले पे लाल वायर काटूंगा। तुम हरा तार काटोगे या नहीं? नहीं मैं लाल ही काटूंगा। तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, शादी से पहले ऐसे ही कर रहे हो तो मैं जा रही हूँ। अरे यमुना यमुना, गुरुजी कहाँ जा रही हो? अरे छोड़ ना यमुना, सुनो ना, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। आ जाओ, हरा काटना है ना? हाँ ठीक है, देखो वही काटते। तूने तो लाल कहा था ना। हाँ यार, यमुना नाराज हो रही है, उसकी बात मानकर हरा ही काट देता हूँ। क्या कहा, नाराज हो रही है? बोलने का टाइम नहीं है, 10 सेकंड ही है। हाँ। जल्दी से काटो। तुम काटोगी क्या? नहीं नहीं, तुम ही काटो। लेकिन बुरा तो नहीं मानोगी ना? ये मर जाएगा, जल्दी काटो। तुम लोग रिबन काटने वाले हो क्या? अरे रुक, जल्दी काटो, काटो काटो इसे जल्दी। ए ए ए रुक जाओ, दरवाजा छोड़ के हमेशा खिड़की से ही भागती है। ए कहाँ भाग रही हो? सुनो तो, मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं उससे क्या? भैया गाड़ी चलाओ। नहीं, मैंने तुम्हारे कहने पे हरा तार काटा था ना, मौत की घंटी बजी तो तुम वहाँ से भाग गई। क्यों, तुम्हारी खुद की अकल कहाँ है? कुएं में कूदने को कहूंगी कूद जाओगे, चला है? हाँ अब तो बोलोगी, उधर मेरे दोस्त की जिंदगी खतरे में। उसमें मेरी क्या गलती? उसको बम तुमने ही लगवाया था ना। नहीं, वर्धन से तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया था। तुमने कहा बचाया? झूठ मत बोलो, वर्धन का अंत करूंगा कह कह कर बस मुझे ही बहलाते रहे हो, और आखिर में उसे आतंकवादी ही उठा कर ले गए। मजाक था? अभी तू क्या एक घुमा? ए, चल जा यहाँ से। ए, तू जा। ए, चुप कर। शादी के बाद भी तुम ऐसे बदतमीजी से बात करोगी? मैं ऐसे ही बात करूंगी। एक बच्चे के बाद तुम्हारी सारी चर्बी कम हो जाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा। पता नहीं खुद को क्या समझते हो।